उन्होंने सोचा कि यार कि लड़का इतना काम कर रहा है, दिन भर रहता है, तो इसका खर्चा कैसे चलता होगा। तो उनके पता नहीं दिमाग में कैसे आया, उन्होंने, हो सकता है अरविंद जी ने, उन्होंने बात की, सब ने बात की। मुझे एक दिन विभव जी ने बुलाया और मेरे को एक फ़ोन दिया उन्होंने, मेरा फ़ोन बहुत ख़राब हो गया था, तो मुझे उन्होंने एक दिन फ़ोन दिया कि ये फ़ोन अपने पास रख लो, किसी डोनर ने दिया तो इसको तुम यूज़ करना। और मेरे को प्रशांत जी ने 10,000 रुपये की 12 चेक दिए कि तुम अगले एक साल हर महीने तुम इसको डालते रहना और तुम्हारा खर्चा चलता रहेगा। कितनी प्यारी बात है। अब इस इकोनॉमिक मॉडल तो कहाँ है एक, मैं पता नहीं गलती से मैं सीएम साहब के, अरविंद जी के बिल्कुल करीब में ऐसे आ गया, तो मुझे ऐसा लगा यार बिल्कुल एकदम मैं हटो 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 बाहर निकलो सर को निकलना है। तो मैंने उनसे पूछा कि बड़ा बचकाना से, मैंने कहा जी इतनी ताकत कैसे आती है आपको, इतना कुछ कर लेते हो, तो हंसने लग गए। फिर मैंने उनसे उनका नंबर मांगा, उन्होंने मुझे अपना नंबर दे दिया, तो फिर मैंने नंबर सेव कर लिया। मैं ऐसे दिखाता था यार अरविंद केजरीवाल का नंबर है मेरे पास। तो इस तरह से मैं आज अरविंद केजरीवाल का नंबर, बोले कि नहीं बस ऐसे ही होगा, उन्होंने ऐसे किसी का दे दिया होगा। तो फिर मुझे ऐसे तो कोई कुछ कॉल या मैसेज तो करता नहीं था, बट मतलब अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, आपको मोटिवेट किया यार अरविंद केजरीवाल का नंबर मेरे पास है। और मुंबई में बड़ा आंदोलन होगा, आज़ाद मैदान, और वहाँ फेल हो गया, वहाँ लोग ही नहीं आए। तो मेरे को ध्यान है, मैं और मेरा पार्टनर, मतलब जो मेरा अनिल रूम पार्टनर था अनिल, हम दोनों देख रहे थे टीवी और डिबेट मतलब एक तरीके से चल रही थी, और उसमें यही था कि अन्ना आंदोलन ख़त्म हो गया। मैं रोने लग गया। मुझे ध्यान है मैं पंजाब चुनाव जब हारा तो लोगों ने बहुत सारे चीज़ें गंदी बातें बोली कि मैंने पैसे खा लिए, मैं ये करता था, तो मुझे शायद उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। मेरी बड़ी बहन ने मुझे एक दिन फ़ोन किया और रोने लगी फ़ोन पे, बोली तू ये कर क्या रहा है और तू ये क्या काम कर रहा है, तू लोग तुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं उस दिन मुझे लगा कि मैं मतलब कि यार ये क्या हो गया। फरवरी का महीना था 2012, तो मैंने अरविंद जी का नंबर सेव किया हुआ था अपने फ़ोन में। तो एक दिन सुबह आई थिंक 10-11 बजे के आसपास उनका फ़ोन आया। अच्छा। तो मैं देखा, मैंने कहा अरविंद जी का फ़ोन, मैं उठा, सर 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 दिल्ली में है, आपने अपने दिल्ली की यात्रा यहीं से शुरू की थी। हाँ, मैं 2010 में नवंबर में, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो हमारे उधर जैसे यूपी में है कि भाई अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो आपको एक पॉइंट पे दिल्ली जाना होगा पढ़ने के लिए। तो मैंने 2010 में अपना मास्टर्स कम्प्लीट किया, उसके बाद फिर दिल्ली आ गया। दिल्ली आया तो कुछ कनेक्टिंग लोग थे, ऐसे लोग थे जिनको, जिनके साथ बीच में एक दोस्त थे, उनके थ्रू जानने को मिला, तो वो लोग मेहरौली रहते थे, तो उनके साथ फिर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए। तो नवंबर 2010 की बात है, मैं मेहरौली में आया और सबसे पहले मैं दिल्ली में रहने का काम यहीं शुरू किया। मुश्किल से 200 से 300 मीटर जगह हो, तो मैं बड़ा, मुझे लगा कि आपने ये जान के जगह चूज़ किया, मुझे नहीं पता मैरोली रहता। लेकिन मैं आने के बाद फिर ये मुझे लगा कि, तो मैं मुश्किल से यहाँ से आप निकलेंगे 200 मीटर पे ही, यहाँ पे एक महाजन अपार्टमेंट है, वहाँ पे रहता था मैं। कभी मन में ख्वाब था, आप प्रीलिम्स लिख रहे थे, यूपीएससी क्लियर करने का ख्वाब था, क्या मन में आता था, यूपीएससी क्यों चुना? मतलब बहुत क्लियरिटी नहीं, आई थिंक मुझे लगता है जो मेरे साथ था और ख़ासकर जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हमें पता होती है, हमें पता होती है कि भाई 12वीं के में मैथ ले लो तो इंजीनियर बन जाओगे, और अगर आप बायो ले लोगे तो डॉक्टर बन सकते हो। बायोलॉजी बताया जाता था कि ये मतलब टफ नहीं, बेसिकली वो कहते थे इसको लड़कियाँ ज़्यादा लेती थी, लड़के मैथ्स लेते हैं। अच्छा। तो हमने कहा फिर हम भी मैथ लेंगे, हम क्यों बायोलॉजी लेंगे।
तो मतलब इस तरह की बहुत सारी, क्योंकि मैं बिल्कुल ही गांव के इलाके से आया। मैं मेरा गांव यूपी में गोरखपुर के बगल में एक छोटा सा गांव है। क्या नाम है गांव? सिकोहरा गांव है मेरे गांव का नाम। और मेरे मदर फादर की इच्छा थी कि मैं बाहर जाके पढ़ूं, क्योंकि उन्हें पता था गांव के अंदर नहीं पढ़ सकता था वो। लेकिन कोई ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं था कि अचानक बच्चे को कहाँ बाहर भेज दें। मैं बस्ती, एक छोटा सा हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, वहाँ मैंने 12वीं पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद आया, तो 12वीं तक तो उस माहौल में, फिर जो लोगों ने समझाया कि नहीं मैथ ले लोगे तो इंजीनियर बन जाओगे, MBBS में सीटें बहुत कम होती हैं, मैथ में बहुत ज़्यादा सीटें होती हैं, तो BTech कर सकते हो, तो ये बहुत सारे आर्गुमेंट रहे। और तो हमने फिर वो मैथ ले लिया इस तरह से, और मैथ में पढ़ाई की। फिर लगा कि इंजीनियरिंग करते हैं, तो फिर मेरे दिमाग में नहीं, इंजीनियरिंग करेंगे तो फिर टॉप से करेंगे, किसी नीचे वाले से नहीं करेंगे। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। समाओ मेरी कुछ उस समय तबीयत ख़राब हुई, मैं एग्ज़ाम मिस कर गया और इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाया, तो फिर वो छूट गया। तो फिर अब लगा कि अब क्या करें। और एक बार इंजीनियरिंग का इतना बड़ा था कि भाई इंजीनियर बनेंगे, फिर 4 साल पढ़ाई करेंगे, फिर कोई कंपनी नौकरी दे देगी, फिर अपनी लाइफ सेट है। और घर वालों को भी ये एक्सपेक्टेशन थी कि भाई हाँ ऐसे 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 लाइफ चलती चली जाएगी इस धर्रे पे। लेकिन फिर इंजीनियरिंग कर ही नहीं पाया, फिर मेरा किसी नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेने का मन नहीं हुआ, तो मुझे समझ में ना आया कि मैं करूँ क्या, और मैं बड़ा परेशान हो गया। और तो फिर लोगों ने बताया कि इंजीनियरिंग के बाद अगर कोई बढ़िया चीज़ है तो सिविल सर्विसेज है, इसमें देश की भी सेवा कर सकते हो, बड़ा कुछ कर सकते हो। तो हमने कहा चलो अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि बहुत कुछ, बहुत अंदर से मोटिवेशन आती थी या बहुत कुछ ऐसा होता था, वो तो ऐसी बात होगी। आई थिंक इट्स मोर लाइक कि जो सोसाइटी उस समय जैसे पुश करती थी, और हम लोग जिस एरिया से आते हैं उस एरिया में भाई ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, इंजीनियरिंग में जाओ, उससे कम लिखे पढ़े लिखे हो तो बैंक क्लर्क PO की करो, अगर उससे कम हो तो कहीं जाके अपनी नौकरी करो इधर उधर। तो इस तरह का एक ढांचा, सोशल ढांचा बना हुआ था, तो हम भी उसी ढांचे के अनुरूप ही चलते गए। और फिर यहाँ आए, तो यहाँ आने के बाद ये था भाई, इलाहाबाद से पढ़ाई की, तो इलाहाबाद में भी ये था कि भाई अगर अच्छी तैयारी करनी है तो दिल्ली जाना है, क्योंकि दिल्ली में सारे अच्छे टीचर्स होते हैं, दिल्ली में बड़ा अच्छा मटेरियल मिलता है, दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम सुने थे। तो मन में ये था कि अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद फिर हम दिल्ली जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। फिर दिल्ली आ गए, तो एक हमारे दोस्त होते थे प्रतीक, तो प्रतीक के कुछ दोस्त थे यहाँ पे मेहरौली में रहते थे, तो उनके थ्रू फिर हम लोग मेहरौली में रहना स्टार्ट किया एक तरीके। कितने भाई बहन हैं आप? मैं 2 भाई और 3 बहनें, और मेरी एक कंबाइन फैमिली है, तो मेरे चाचा हैं वो एयरफोर्स में हैं, और तो उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। तो मैं हमेशा अपने आप को ये मानता हूँ कि मेरे 4 भाई और 4 बहन हैं, तो उन सबसे मेरा बड़ा लगाव है, मेरा बड़ा प्रेम है। तो एक तरीके से वो पूरी की फैमिली को मैं अपनी फैमिली मानता हूँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ मेरे 2 फादर हैं 2 मदर हैं, 4 भाई 4 बहनें हम लोग हैं, और हम लोग बड़ा प्रेम से एक उसमें रहते हैं। तो ये एक गांव में ये सोच पाना फिर भी मुमकिन है, शहरों की लाइफ में ये बहुत मुश्किल होता है। मे बी आई थिंक अपब्रिंगिंग बहुत कुछ डिपेंड करता है, आपके मदर फादर किस तरह से आपको पालते पोसते हैं उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। कैसा बचपन था? मुझे लगता है बड़ा तो बड़ा कड़क वाला कह सकते हैं, मार-मार पीटती थी, भयंकर भयंकर वाला। मतलब पीटता पिताजी तो ज़्यादा, और चाचा, चाचा कभी एक आध बार मार दिया होगा तो मार दिया होगा। चाचा बेसिकली, चाचा की एक तो पोस्टिंग ज़्यादा बाहर रहती थी, तो वो तो कभी ध्यान नहीं कि उन्होंने कब मारा होगा। लेकिन ये है कि पिताजी बड़े पिटाई करते थे, और ख़ासकर उनको ये था कि गांव में है कहीं बिगड़ ना जाए, तो वो आपके मन में एक भावना होती है, तो उस भावना से आप बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो मान लीजिए मैं कभी क्रिकेट खेलने चला गया तो उस पर पिटाई हो जाती थी, कभी मैं मूवी, गाँव में मूवी लगती है रात में जब किसी की शादी होती हो, तो कभी छुप छुपा के चले गए तो पिटाई हो गई। तो इस तरह की चीज़ें बचपन में होती रहती थी। बट ये था कि मैं 8वीं की पढ़ाई करने के बाद फिर मेरे फादर ने मेरे को बाहर भेज दिया, तो मैंने अपनी ज़्यादातर 9वीं के बाद 9th क्लास के बाद मैंने अभी तक की पूरी लाइफ एक तरीके से समझ सकते हैं कि अकेले ही बिताई है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कुछ दिन मैं बुआ के साथ था, और फिर उसके बाद मैं ऑलमोस्ट
फिर मेरी दीदी थी इलाहाबाद में, उनके साथ रहने लग गया। तो बट मोटा मोटा ये है कि काफ़ी इंडिपेंडेंट सी लाइफ रही नाइन्थ के बाद। फिर एक तरीके से जो भी पढ़ाई करना है, जो भी डिसीजन लेना है, उसमें चर्चा हो जाती थी, लेकिन मेजॉरिटी आप कह सकते हो कि डिसीजन का जो पार्ट होता था वो मेरा ही होता था, क्योंकि मदर फादर बिल्कुल विलेज से थे। फादर मेरे मेडिकल ऑफिसर थे नेशनल लेप्रोसी रिमूवल प्रोग्राम में, तो उनको भी उतना आइडिया नहीं था कि बाहर, उनको भी एक ढांचा ही पता था कि ऐसे ऐसे करना होता है बच्चों को। मैं तो जब बहुत दिनों बाद मुझे समझ में आया कि होटल मैनेजमेंट भी कोई कोर्स होता है, MBA भी कोई कोर्स होता है, CA भी कोई कोर्स होता है, ये भी पढ़ाई होती है, तो ये तो बहुत बाद में मुझे पता चला कि इस तरह के कुछ फैशन डिज़ाइनिंग कोई कोर्स होता है ये तो बेसिकली दिल्ली आने के बाद अच्छा ये भी कोर्स है, ये भी कर सकता था मैं, तो हमें पता ही नहीं था हम इस तरह के बैकग्राउंड से थे। तो उस लिहाज से एक दिमाग में था कि सिविल सर्विसेज करना है, करना इसलिए है क्योंकि नौकरी लग जाएगी और ज़िंदगी ठीक रहेगी, अच्छा सैलरी रहेगा, हम भी लाल बत्ती वत्ती लगा के घूमते रहेंगे। ये बेसिकली कहीं ना कहीं एक जो एक सोशल जो आप कह सकते हो कि एक मतलब मोटा मोटा सबकी ज़िंदगी में इस तरह के एक सोशल इन्वायरमेंट रहता है, उसी इन्वायरमेंट से मैं भी दिल्ली आया। और बस एक चीज़ था कि दिल्ली में मैंने आने से पहले ये तय किया कि मैं दिल्ली जाने के बाद घर से पैसे नहीं लूँगा, उससे पहले मैं घर से पैसे लेता था। अच्छा। फिर दिल्ली में आने के बाद मैं नवंबर 2010 के बाद मैंने आज तक ऐसे कभी फंस गया होगा तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था। अच्छा, क्या सब्जेक्ट? मैं बेसिकली 12वीं तक के बच्चों को मैथ्स पढ़ा दिया, फिजिक्स पढ़ा दी, केमिस्ट्री पढ़ा दी। नहीं, मैरोली में, मैरोली में ही पढ़ाता था, तो मेरा बड़ा अच्छा था। मैं आई थिंक नवंबर फर्स्ट वीक में आया था और मेरे को नवंबर थर्ड वीक में मेरे को ट्यूशन मिल गई, तो एक जैन साहब यहीं रहते थे, उनके 3 बच्चे थे, उनको पढ़ाता था। और फिर मेरे को 2700 रुपये मेरे को पहली आमदनी 2700, और मेरे को वो भी ध्यान है 2700 रुपये का, तो खर्चा चल रहा था 2700। फिर मैंने एक दो ट्यूशन और पढ़ाई, फिर 5-6 हज़ार रुपये में, 6 हज़ार रुपये मोटा मोटा चल जाएगा, उतना में चल जाता था। ऐसे कोई बहुत समय उस समय भी, और ऐसा भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था, मतलब 1500 रुपये किराया दे दिया, बाकी 3-4 हज़ार रुपये में तो ठीक ठाक ज़िंदगी कट जाती थी। कोई ऐसे शौक नहीं थे, कभी संडे वनडे को जब पार्टी करनी होती तो छोले भटूरे खा लेते थे यहाँ पंडित जी के, एक यहाँ पे बड़ा फेमस पंडित जी का छोला भटूरा है। और वो तो मुझे ध्यान है, जब मेरे को 2700 रुपये मिला था तो मैंने वो 2700 रुपये जब मेरे को रात में आई थिंक 7:30-8 बजे के आसपास मेरे को 2700 रुपये मिले, मैं गया हमारे फ्लैट में, एक भगवान जी की मूर्ति थी, मैं 2700 रुपये ले जाके उनके पास, मैंने कहा रात भर आपके पास रहेगा ये पैसा। फिर अगले दिन से मैंने खर्च करना स्टार्ट किया। तो इस तरह की आप इस तरह की बैकग्राउंड से इस तरह की उससे मैं यहाँ आया। तो उस समय तो दिल्ली आना भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली डेयरिंग है, चाहिए उसके लिए दिल्ली। बट समहाउ आई बिलीव कि मेरी लाइफ में आप उसे भगवान कह लो, स्पिरिचुअल फोर्स कह लो, या जिस भी चीज़ को कह लो, जो भी चीज़ आप कहना चाहोगे, बट आई बिलीव कि उनका बहुत बड़ा रोल रहा। वरना मैं फ्रेंकली जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मुझे ऐसा नहीं था कि कोई समझाने वाला था, कि कोई मुझे गाइड कर सकता था। जो कुछ था सब कुछ खुद से ही सीख के, मतलब मेरे को ध्यान है कि मैं आई थिंक मैंने ग्रेजुएशन लास्ट ईयर या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके पहली बार मेल आईडी बनाई। अच्छा, कि मेल आईडी होनी चाहिए। कौन सा साल होगा मेरा ग्रेजुएशन, कब ख़त्म की थी आप? मैंने ग्रेजुएशन 2008 में किया था, तो उसी समय के आसपास मैंने मेल आईडी अपनी बनाई। उस समय साइबर कैफे होते थे, 15 रुपये घंटा देते थे, तो वो जाते थे और अपना मेल आईडी बनाई सारी चीज़ें। तो वहाँ से बेसिकली इस तरह का बचपन रहा, और फेलियर बहुत मिले, मतलब आप ऐसे मतलब 12वीं पढ़ाई की, 12वीं के बाद लगा कि इंजीनियरिंग करेंगे लाइफ सेट हो जाएगी, उसमें फेल हो गए, उसमें कर नहीं पाए, तो बड़ा डिमोरल एक तरीके से मोरल टूटा। फिर मैं सिविल सर्विसेज के लिए आया, फिर सिविल सर्विसेज में आने के बाद फिर थोड़ी पिकअप होनी स्टार्ट हुई, तो अन्ना जी का आंदोलन शुरू हो गया। तो प्रीलिम्स वगैरह लिखा था कोई आपने? मैंने प्रीलिम्स ही दिया था, और बट वो भी बिल्कुल मिड ऑफ द अन्ना हजारे मूवमेंट के दौरान दिया था, तो वो भी ऐसे ही था। आंदोलन में आने कैसा हुआ? आंदोलन में आई थिंक मैं अपने गांव में था उस समय, और मेरी एक दोस्त थी मेरे ग्रेजुएशन में, वो मेरी सीनियर थी, तो उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा कि अन्ना हजारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और इसको सपोर्ट करने के लिए इस नंबर पे मिस कॉल दीजिए, तो आप सपोर्ट करेंगे।
तो मैंने कहा चलो मिस कॉल देने में क्या जाता है, मिस कॉल हमने भी दे दिया। फिर मैंने अपने अगल बगल के पड़ोसियों से कहा कि भाई तुम भी मिस कॉल दो, तुम्हारा क्या जाता है। गांव में तो उन्होंने भी मिस कॉल सबने दे दिया। तो मिस कॉल होने के बाद आपको कंटिन्यूसली मैसेज आते थे, तो लगातार मैसेज आते थे। और उस समय आपने टीवी पे देखा, मेरा एक दोस्त होता था, मेरा पार्टनर अनिल होता था, तो उससे खूब चर्चा होती थी। हम लोग वो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी में थे, तो हम दोनों खूब चर्चा करते थे कि आंदोलन कैसा आंदोलन है, क्यों, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तमाम तरीके की चर्चा होती थी, टीवी डिबेट में चर्चा होती थी। फिर हर डिबेट के बाद देखते थे किसमें किसने गलत बोला, किसने सही बोला। तो एक सिविल सर्विसेज का भी वो एक माहौल होता था, उसमें भी चर्चा करते थे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोग, तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक कि एक अट्रैक्शन बना इस आंदोलन को लेकर। तो दूसरा ये था कि अरविंद जी को कई बार टीवी वीवी पे देखा था, वो डिबेट उबेट में आते थे, तो ऐसा लगता था IRS की नौकरी छोड़ दी यार इस बंदे, कुछ तो अच्छा ही करना चाहता होगा, नहीं तो कौन छोड़ता है, हम तो सिविल सर्विसेज की तैयारी में इतने लगे हुए हैं, तो इन्होंने छोड़ दी तो मतलब कुछ तो अच्छी चीज़ इन्होंने देखी होगी। तो उससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला। फिर अन्ना हजारे को देखा, फिर किरण बेदी को देखा, फिर प्रशांत भूषण के बारे में पता चला। फिर तो इस तरह के लोगों के बारे में जब समझा जाना, तो ऐसा लगा यार कि ये सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको इस तरह की सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है नहीं, ये सारे लोग बड़े वेल टू डू हैं, और क्यों आए हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं उससे एक मोटिवेशन मिला कि हाँ यार इसमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट इन सेंस। तो फिर मैं और मेरे दोस्त ने तय किया कि हम चलेंगे वो जंतर मंतर चलेंगे। तो हम लोग तैयारी की, हमने बस पे जाने लगे, तो हमारी आंटी थी नीचे, महाजन आंटी, और महाजन आंटी ने बोली कहाँ जा रहे हो, हमने कहा जा रहे हैं, बोले ख़त्म हो गया आज, तो उन्होंने फास्ट तोड़ दिया। तो फिर हम उनके रूम में ही बैठ के, उनके घर पे, वो हमारे सेकंड फ्लोर पर रहती थी, हम फोर्थ फ्लोर पर रहते थे, तो फिर उनके साथ ही बैठ के हम लोगों ने टीवी देखना स्टार्ट किया। तो देखा तो उसमें अन्ना हजारे ने बोला काले अंग्रेजों से देश हुआ। तो कहीं ना कहीं वो अप्रैल 2011 तब गांव में था, फिर लेकिन मतलब दिल्ली में शिफ्ट हो गया था उस समय जब आंदोलन शुरू हुआ, तो मैं गांव में था, बट इन बिटवीन मैं बीच में आ भी गया यहाँ पे। तो इस तरह से फिर एक अट्रैक्शन मिली। फिर वो मिस कॉल आते थे, मैसेज आते थे, फिर वो रामदेव बाबा बैठे, उनके साथ जो लाठी उठी वो हुआ। और फिर मेरे को ध्यान है कि मैंने डिसाइड किया मेरा 26 जून को एक मेरा एग्ज़ाम है, उसके बाद मैं जाऊंगा, ये मैंने तय किया कि एक बार तो मतलब जाऊंगा, इनसे देखूंगा क्या है। तो 26 जून 2011 को मैं इलाहाबाद में, मेरा सेंटर था, एग्ज़ाम देके मेरे को याद है मैं ट्रेन से आया, और आने के बाद 27-28 तारीख को उसमें एक नंबर होता था कि जुड़ने के लिए इस नंबर, तो मैंने कॉल किया, तो कॉल में बताया गया कि आप सालीन जी से बात करिए। तो मैंने फिर आपको फ़ोन किया, तो आपने कहा कि आप कहाँ रहते हैं, मैंने कहा यहाँ रहता हूँ। तो मैंने कहा, आपने शायद बोला कि कल शाम को मीटिंग करें तो आ सकते हैं आप, मैंने कहा कि मैं तो आ जाऊँगा। तो मेरे को ध्यान है कि फिर आपने कहा कि साकेत सिटी मॉल पे मिलते हैं, वहाँ मिलते हैं। तो आई थिंक 7 बजे या 6 बजे का आपने टाइम दिया, आप पल्सर गाड़ी थी आपकी, पल्सर आप थे और अश्वती मुरलीधरन पीछे बैठी हुई थी, आप दोनों लोग आए, तो मैं था और मेरे साथ एक और सज्जन थे आपके। हाँ, मेरे आप तो बोले नहीं थे, वही बहुत बोले थे, सब बात तो उन्होंने, मैं तो बस शांत होकर बैठ के देख रहा था। फिर आप लोगों ने कहा कि चलो वहाँ कोर्ट पे, वो साकेत कोर्ट के सामने वो चबूतरा बना हुआ है, हाँ, तो वहाँ पे बैठे। फिर उसमें दिनेश मोहनिया थे, प्रवीण देशमुख थे, मनीष गुलिया थे, सब लोग आए हुए थे। तो मैं तो सुनता रहा कि, और मेरे को डर भी लगता था, आप लोगों ने बड़े बड़े प्लान बनाए कि यहाँ जाके वो करेंगे, यहाँ जाके, मैंने कहा यार मैं तो तैयारी करने आया हूँ, मैं तो यहाँ बेकार मारा जाऊँगा, इन लोगों के चक्कर में मारा केस और UPSC तो गई। तो फिर संभव, फिर वहाँ पे एक अध्यात्म साधना केंद्र होता था, यहाँ छतरपुर में, यहाँ खूब मीटिंग होती थी, वो भी मेरे घर के बगल में होता था, वहाँ भी खूब जाता था। तो इस तरीके से पहली मुलाकात इस आंदोलन के साथ, ये मेरा सफर रहा इस तरह से। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद क्या जिम्मेदारियां थी आंदोलन के समय आपके पास? तो पहले तो शुरू में तो ये था कि जैसे कोई भी इवेंट होते थे तो इवेंट में बेसिकली पार्टिसिपेट करो, जाओ। दूसरा क्या होता था, जैसे आप लोग बहुत सारा डेटा देते थे, तो हमारे दिनेश मोनिया कोऑर्डिनेटर होते थे, दिनेश, प्रवीण देशमुख और मनीष। तो यूजली जैसे मान लीजिए कोई इवेंट है या मीटिंग ही बुलाई जा रही है, तो उनको लगता था ये पढ़ाई करता है तो इसके पास काफ़ी समय होता है, इसको दे दो ये फ़ोन कर देगा,
तो मुझे वो सारे नंबर देते थे कि तुम ये फ़ोन करके सबको बुलाओ मीटिंग में, तो मैं सबको कॉल करके बुलाता था कि भाई यहाँ इतने बजे मीटिंग है आप जाना और इस तरह से। तो पहला तो मोस्ट ये काम होता था। फिर मेरे को ध्यान है एक बार मैं कौसाम्बी गया था तो आपने मुझे वहाँ ट्रेनिंग दे के कॉलिंग करवाई थी। आप लोग कुछ आंदोलन करते थे, मतलब कुछ आंदोलन था तो उसमें आप लोग कोई सेंटर्स बना रहे थे कि ये सेंटर्स होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। फिर एक दिन में 400-500 कॉल्स करता था। हाँ, तो उसमें मैं फिर यहाँ से जाता था कौशाम्बी, वो मनीष मनीष गुलिया की बाइक पे, ठीक है, तो वो लेके जाता था। फिर वहाँ हम लोग बैठ के, फिर आप एक लिस्ट पकड़ा देते थे पर्ची कि इस पे कॉल करो, इसका फीडबैक लिख के बताओ क्या है, तो वो कॉल करते थे। फिर आई थिंक एक कपिल सिब्बल के खिलाफ एक रेफरेंडम चलता था चांदनी चौक में, तो कपिल सिब्बल के साथ रेफरेंडम में वो फिर वहाँ पार्टिसिपेट, वहाँ पे मतलब वो उस टीम में फिर कोऑर्डिनेट करना, कॉल करके बुलाना सबको कि आप आ जाइए, एक दिन का समय दीजिए, आधे घंटे का समय दीजिए, सैटरडे संडे दे दीजिए। फिर वो मैं फाइल होती थी पे मैं मार्क करता था किसने कहा फ्राइडे दूंगा, तो उसको मैं एक दिन पहले कॉल कर, सर आपने कल शाम का बोला है तो आओगे ना, बेचारे शर्म में आ जाते थे बहुत सारे लोग तो नहीं सर देश कैसे बदलेगा अगर आप आओगे नहीं, इस तरह की चीज़ें करते थे। तो फिर उसमें आते थे आई थिंक, तो वहाँ से एक तरीके से काम शुरू किया। और मेरे को ध्यान है एक बार मैं कमानी ऑडिटोरियम में कोई डिबेट थी जिसमें अन्ना जी थे, अरविंद जी थे, प्रशांत जी थे, मनीष जी थे, और उधर से और उसमें बड़ी लड़ाई हो गई, बड़ा हंगामा हो गया, और मतलब ऐसे लगा कि मार देंगे एक दूसरे को, और जनता बिल्कुल उमड़ गई। तो मैं भी उसमें था, तो वो फिर सब लोग जब निकलने लगे तो मैं पता नहीं गलती से मैं सीएम साहब के, अरविंद जी के बिल्कुल करीब में ऐसे आ गया। तो मुझे ऐसा लगा यार बिल्कुल एकदम मैं हटो बाहर निकलो सर को निकलना है। तो मैंने उनसे पूछा कि बड़ा बचकाना से, मैंने कहा जी इतनी ताकत कैसे आती है आपको, इतना कुछ कर लेते हो, तो हंसने लग गए। फिर मैंने उनसे उनका नंबर मांगा, उन्होंने मुझे अपना नंबर दे दिया, तो फिर मैंने नंबर सेव कर लिया। मैं ऐसे दिखाता था अपने, यार अरविंद केजरीवाल का नंबर है मेरे पास तो इस तरह से मैं आज अरविंद केजरीवाल का नंबर, बोले कि नहीं बस ऐसे ही होगा, उन्होंने ऐसे किसी का दे दिया होगा। तो फिर मुझे ऐसे तो कोई कुछ कॉल या मैसेज तो करता नहीं था, बट मतलब अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, आपको मोटिवेट किया यार अरविंद केजरीवाल का नंबर मेरे पास है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे करते थे। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ। और मोटा मोटा ये था कि उस समय अगर आप बहुत बोलो तो एक आइडियलिज्म तो था मन में, और ऐसा लगता था कि अगर इस देश का सिस्टम ठीक हो जाए तो ये देश ठीक हो सकता है। इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस नहीं, अगर किसी तरह से इस देश का सिस्टम ठीक हो जाए तो शायद ये देश बदल सकता है। तो जैसे लोकपाल के ऊपर हम चर्चा करते थे, मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो बिल्कुल डिसएग्री करते थे, मैं उनसे घंटों बहस करता था कि नहीं अगर ऐसे नहीं होगा, अपॉइंटमेंट का मेथड ये होना चाहिए, इसको रिमूवल का मेथड ऐसे होना चाहिए, बहुत सारे आर्गूमेंट देते थे। फिर इलेक्शन कमीशन पे बात करते थे कि भाई इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट ही ऐसा है कि वो जो भी बनेगा सरकार का आदमी बनेगा, तो फिर फ़ायदा क्या है, फिर इलेक्शन कभी भी फ्री एंड फेयर हो ही नहीं सकते इस देश के अंदर। कैग भी सरकार अपॉइंट करती है तो कभी फ्री एंड फेयर हो ही नहीं सकते। तो ये था कि अगर इस देश के अंदर सिस्टम अच्छे हो जाएँ, अगर और ख़ासकर ये सारी चीज़ें फंक्शनिंग अच्छी हो जाए, तो शायद इस देश के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो जाए, जो हमारी डेमोक्रेसी के अंदर जो एक बैलेंस ऑफ पावर है वो चीज़ें ठीक होनी चाहिए। आज जैसे जुडिशरी है, मतलब आई डोंट नो कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम भी पता है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में भी शक होता है कि यार डिसीजन सही से होते हैं नहीं होते हैं। तो जजों के अपॉइंटमेंट प्रोसेस आप देखते हो तो आपको लगता है यार कि इसमें ग्लिच तो है, इसमें सरकार, इसमें तो संदेह होता है, इसमें कोई बिल्कुल फेयर आदमी जाएगा ऐसा लगता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अंदर से एक कन्विक्शन आ गया कि हाँ यार सिस्टम अगर ठीक हो जाए तो देश ठीक हो सकता है। फिर ये मोटिवेशन कहीं ना कहीं ये आंदोलन जैसा चलता रहा, उस हिसाब से उसके पीछे चलते रहे, इस तरह से निकलते रहे। जब रामलीला मैदान में अगस्त का महीना आ चुका था और रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन हुआ, तब आप क्या कर रहे थे? मैं भी फिर उसी समय साउथ में था, और मेरे को ध्यान है कि हमने 16 अगस्त के पहले 11 या 12 तारीख को एक हमने रैली निकाली थी, बाइक रैली, उसमें बहुत खूब सारे लोगों को कॉल करके हमने साकेत मेट्रो स्टेशन से आई थिंक नेहरू प्लेस तक ले गए थे। तो उसमें फिर कॉलिंग, सबको कोऑर्डिनेट करना, बुलाना, मोटा मोटा ये काम था। फिर जब 16 अगस्त का लग गया तो उसमें इंफॉर्मेशन सेंटर बनता था,
स्वाति आती थी, बताती थी ये आप और स्वाति की ये इन्फॉर्मेशन सेंटर है, ये पानी का सेंटर है, वॉलंटियर मैनेजमेंट है, ये क्राउड मैनेजमेंट है। तो इन्फॉर्मेशन सेंटर में प्रवीण और दिनेश हमारे हेड होते थे, तो उनके साथ जिम्मेदार। बट यह कि मैं 16 अगस्त का जब एक बार हो गया एंड 16 अगस्त के बाद जब अन्ना अरेस्ट हो गए 18-19 आई थिंक दो तीन दिन बाद जब वो जेल से छूटे, फिर रामलीला मैदान हो गया, फिर मैं रामलीला मैदान नहीं गया। फिर मुझे लगा कि मेरी जो जिम्मेदारी थी इस आंदोलन को लेकर वो मैंने पूरी कर दी, अब मुझे पढ़ाई करनी है, अब मैं नहीं जाऊँगा इस आंदोलन में। तो मैंने फिर ब्रेक दे दिया और फिर मैंने सोचा कि मैं अब नहीं जाऊँगा इसमें, क्योंकि मेरी पढ़ाई बेकार हो रही है और मैं अगर पढ़ नहीं पाया तो बहुत बेकार हो जाएगा, मुझे पढ़ाई करनी है। मेरे को बार बार ये गिल्ट होता था कि मेरे माँ बाप ने भेजा है और मैं यहाँ मतलब भारत माता जिंदाबाद नारे लगा रहा हूँ, तो मुझे लगता था। और मुझे फिर ये भी था कि ये करना ज़रूरी है क्योंकि ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो समहाउ उसके एक द्वंद के बीच में ये करता था। तो फिर जब एक बार रामलीला मैदान, आई थिंक रामलीला मैदान में मैं शायद एक बार गया, उसके बाद कभी नहीं गया। और फिर ये हुआ कि अब यहाँ से तो निकल ही जाएगा, इतना बड़ा आंदोलन हो गया कि अब सब मान जाएंगे, सारे लोग मान जाएंगे, सब हो जाएगा। तो फिर उसके बाद भी नहीं माने, ये बहुत सारी चीज़ें चलती रही। तो फिर मैं कभी कभी किसी मीटिंग वीटिंग में चला गया, बट एक तरीके से काइंड ऑफ कम एक्टिव रहा। फिर मुझे ध्यान है कि ये आंदोलन एक बार गया मुंबई, दिसंबर के महीने में कि यहाँ से ये जाएगा दिसंबर मुंबई में, और मुंबई में बड़ा आंदोलन होगा आज़ाद मैदान। और वहाँ फेल हो गया, वहाँ लोग ही नहीं आए। तो मेरे को ध्यान है, मैं और मेरा पार्टनर, मतलब जो मेरा अनिल रूम पार्टनर था अनिल, हम दोनों देख रहे थे टीवी और डिबेट मतलब एक तरीके से चल रही थी, और उसमें यही था कि अन्ना आंदोलन ख़त्म हो गया। मैं रोने लग गया, मेरे को इतना मतलब अंदर से मुझे लगा यार ये आंदोलन कैसे हार सकता है, इस देश के लोग इतने घटिया कैसे हो सकते हैं, इतने निकम्मे कैसे हो सकते हैं कि इस आंदोलन में नहीं गए। इस देश के लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा, अगर मुझे समझ में आ रहा है तो इस देश के लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, पागल हैं सारे के सारे। मतलब मेरे मन में इतनी घृणा पैदा हुई और मैं रोने लग गया। फिर मुझे लगा यार मैं, मतलब मेरे को ध्यान था यार कि आंदोलन ख़त्म नहीं होना चाहिए, मरना नहीं चाहिए आंदोलन। फिर आई थिंक उसके बाद जब ये यहाँ पे आए, और मीनवाइल बहुत सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं स्वाति के साथ थोड़ी सी जानकारी थी, स्वाति जानती थी, तो मेरे को ध्यान है बहुत सारे ऐसे प्लान किए थे, जैसे एक अन्ना चर्चा समूह बीच में चलता था कि कुछ क्रिएटिव काम करते हैं लोगों को जोड़कर जोड़ों को रखने के लिए। तो उसमें होता था कि हर आदमी अपने अपने घर पर या अपने आस पास पड़ोस में एक अन्ना चर्चा समूह चलाए, और उसमें होता था वेबसाइट के ऊपर एक कुछ लिख के देंगे और उस मुद्दे के ऊपर चर्चा करनी है कि कैसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो सकती है, कैसे अगर स्वराज हो तो कैसे किस तरह से व्यवस्था बदली जा सकती है। तो मेरे को ध्यान है मैं यहाँ मैरोली में था, मुझे कोई जानता तक नहीं था, तो मैंने जो नीचे महाजन आंटी थी उनके घर में प्रिंटर लगा था, तो उनके पास गया, मैंने कहा जी ये मेरा एक प्रिंट कर दो। उसमें मैंने लिखा कि अन्ना चर्चा समूह में भाग लेने के लिए इस नंबर पर कॉल करें, और मैंने अपना नंबर डाल दिया। तो मैंने उनसे 100 प्रिंट लिए, और 100 प्रिंट भी उन्होंने ऐसे फ्री में कर दिया। तो 100 प्रिंट लेके फिर मैं रात में गोद वो आटे की लेई बनाई और उसको एक रख के, और फिर रात में सारे लगा दिए, 100 आसपास लगा दिए। तो मुझे कोई 20-25 कॉल आ गए सुबह तक, और मैंने सबके नंबर वंबर नोट करके, फिर मैंने यहाँ पर भूल भुलैया है ये सामने, तो यहाँ पर मैंने अपना चादर लिया, चादर लेके आया, चादर बिछाया, मीटिंग यहीं करी, बुलाया, फिर वो उसके मैंने पैम्फलेट वो थे उसके प्रिंट कर लिए, वो पैम्फलेट मैंने सबको दिया, सब लोगों ने पढ़ा, चर्चा समूह की, फिर मैंने सबके नंबर लिए, और उस पर फिर से शायद एक नंबर था उसमें मैसेज भेजना, हाँ रिपोर्ट करना होता, तो कितने लोग आए, क्या कितना था? क्या था, कितना कैसा, फिर मैंने पूछा उसमें से कौन कितना समय दे सकता है। तो फिर मेरे अपने नंबर से मैंने उनको रिपोर्ट भेजा, तो फिर मेरे को 2-3 दिन बाद कौसाम्बी बुलाया गया कि आप आइए, और तो फिर मैं सारा सामान अपना मटेरियल ले गया, मैंने उनको वो पैम्फलेट, तो आई थिंक प्रोबेबली पूरे दिल्ली में शायद 40 लोगों ने किया था, 40 से 45 लोगों, तो उसमें मैं भी एक था, तो सब लोग अपने अपने आइडियाज़ बता रहे थे उन्होंने कैसे कैसे किया। तो मैंने वो पोस्टर दिखाया, तो साथी को बड़ा अच्छा लगा वो पोस्टर, तो उसने कहा हाँ ऐसे करना चाहिए और इस तरह से कर सकते हैं। तो मोटा मोटा तो वहाँ से फिर स्वाति के भी संपर्क में आया, तो फिर दिनेश जी और इन लोगों के साथ रहे, फिर साउथ दिल्ली की टीम बनने लगी, तो उसमें मेरे को कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाया है, जो बेसिकली
अगर किसी को फोन, बेसिकली सारे लोग वर्किंग थे, प्रवीण भी काम करता था, वो जॉब में था, दिनेश जी का अपना प्रिंटिंग प्रेस का काम था तो भी बहुत बिजी होते थे, मनीष ट्यूशन पढ़ाता था तो भी बड़ा बिजी होता था, मैं बस वेला पढ़ाई करता था, तो मेरा फ़ोन हमेशा चल सकता था, मैं सुन सकता, तो उन्होंने मेरा नंबर हर जगह दे देते थे कि इसके नंबर पे कॉल करो, साउथ से जुड़ना है तो मेरे को खूब सारे कॉल आते थे, और मैं क्या करता था, एक एक व्यक्ति का डिटेल नोट करता था कौन, तो मुझे कभी उत्तर नगर से भी कॉल आ रहे हैं, कभी नजफ़गढ़ से कॉल आ रहे हैं, और मैं सबके नोट कर लेता था, तो वो एक डेटाबेस तैयार, और मैं सारा अपने वो रजिस्टर में उसमें नोट करता था, तो उस तरह से संपर्क में आने लग गए। तो और फिर मेरा ध्यान है कि मुझे याद है, आई थिंक प्रोबेबली फरवरी का महीना था 2012, तो मैंने अरविंद जी का नंबर सेव किया हुआ था अपने फ़ोन में, तो एक दिन सुबह आई थिंक 10-11 बजे के आसपास उनका फ़ोन आया। अच्छा, तो मैं देखा, मैंने कहा अरविंद जी का फ़ोन, मैं उठा, सर 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 सर, तो बोले कि दुर्गेश, मैंने कहा हाँ सर, तो बोले कि आ जाओ मिलते हैं, टीम बनाते हैं अच्छी, तो मैं फिर गया। तब तक मीनवाइल ये था कि साउथ में बेसिकली सारा कोऑर्डिनेशन का काम एक तरीके से देखने लग गया था मैं, और चूँकि इतना डेटा होता था सारे, तो लोगों को लगा कि हाँ भाई ये अच्छा काम करता है लड़का, इसको कर सकते हैं, तो मैं अरविंद जी से मिलने गया, तो वो अपने कौसाम्बी में पीछे बैठे हुए थे, तो मैं सामने खड़ा हुआ, तो 5-7 मिनट तक खड़ा रहा, तो बोले हाँ बताइए, मैंने कहा जी मैं दुर्गेश, मुझे समझ में आ गया कि मुझे पहचान नहीं रहे हैं, मैंने कहा जी मेरा नाम दुर्गेश है, आपने फ़ोन किया, अच्छा 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 तुम दुर्गेश हो, बैठो बैठो बैठो, तो फिर उन्होंने कुछ बातचीत की, कुछ काम दिया इस तरह से, तो यहाँ से एक तरीके से स्टार्ट हुआ कुछ ना कुछ संगठन में काम करने का। चलिए आगे की यात्रा आपकी, बैठ के डिस्कस, चलिए आइए दुर्गेश भाई। दुर्गेश भाई आपको याद है कि नहीं है, आपको याद होगा मैंने पता नहीं कौन से इलेक्शन के बाद एक बार आपको कॉल करके पूछा था कि सीखने वाली बात है कि कैसे एक 18 साल के लड़के से लेकर आप 70-80 साल के बुजुर्ग तक को संगठन से जोड़ पाते हो, और कैसे, अच्छा संगठन से जोड़ दिया, जैसे आंदोलन से जोड़ दिया, मैंने आपको आंदोलन से जोड़ दिया, लेकिन उसको सस्टेन करना, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों की, अलग अलग किस्म की एक्सपेक्टेशन होती हैं अपनी, अलग अलग किस्म की सोच होती है, कैसे मैनेज करते हैं, थोड़ा थोड़ा तो कुछ मंत्र बताइए इसका। मुझे मतलब आई डोंट नो कि आई थिंक ये सारी चीज़ें बड़ा नेचुरली आती होगी। एक चीज़ जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि अगर आपके अंदर सुनने की ताकत नहीं है तो संगठन आप शायद नहीं चला सकते, सुनना बहुत पड़ता है, सामने वाले को ये लगना चाहिए कि ये आदमी मुझे सुन रहा है और ये जो मैं बोल रहा हूँ उसकी ये वैल्यू दे रहा है, तो जब तक वो आप नहीं करोगे तो मुझे सबसे पहला तो ये लगता है, वो 18 साल का व्यक्ति हो चाहे 70 साल का व्यक्ति हो, बिकॉज ये जितने भी लोग इस आंदोलन में आए हैं, 2-4-10% की बात तो नहीं करता, बट मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ बदलने आए हैं, कुछ ना कुछ चेंज लाने के लिए आए हैं, उनके मन में कुछ विचार हैं, उनके मन में कुछ द्वंद है, उनकी किसी से बन नहीं रही है, उनके किसी के साथ एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो रही है, उनको ये लगता है यार कि हम गए, उन्होंने सुना हमारे को, सलूशन आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, लेकिन एटलीस्ट आप सुनते हो, तो सबसे पहला काम तो यह है कि आपको सुनना पड़ेगा। दूसरा यह है कि आज के टाइम पे फ़ोन है तो बहुत सारे लोग आपसे फ़ोन करते हैं, अगर आप फ़ोन ही नहीं उठाओगे उनका, आप उनके मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, आप उनके व्हाट्सअप का रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, तो आधा तो यहीं पे चीज़ें कोलैप्स कर जाती, तो आई थिंक कम्युनिकेशन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ कि कई बार आप जब ऊपर जाने लगते हो तो धीरे धीरे आपके अंदर एक बड़ा नैसर्गिक है, आपके अंदर घमंड आता है, आपको लगता है यार क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है, और ये तो मैं सुनता हूँ, ये तो मैं करता हूँ, और फिर आप कई बार इरिटेट हो जाते हो, मेरे साथ भी होता है, कई बार मैं भी बड़ा इरिटेट हो जाता हूँ कि यार क्या है, सेम चीज़ बार बार चल रही है, सबको एक ही चीज़ चाहिए, एक ही चाहिए, लेकिन आपको उसको अपने अंदर रिफ्लेक्ट करना पड़ता है कि हाँ ये मैं गलती कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि आपको उनको जोड़ना बहुत ज़रूरी है, उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है ये बड़ा पवित्र है, ये
कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये प्लेटफॉर्म हो अपने आप को ऊपर ले जाने का, कुछ लोगों के लिए प्लेटफॉर्म हो सकता है कि ये कुछ प्राप्त करने का, MLA बनने का, कुछ और, बट ओवरऑल इस आंदोलन का जो लक्ष्य है वो बड़ा पवित्र है, लाखों लोगों का उद्धार करना, लाखों लोगों का एक तरीके से पूरा सिस्टम बदलने की बात कर रहे हैं, एक पूरी जनरेशन को अपलिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, तो एम बहुत पवित्र है। जब तक उस पवित्रता को आप फील नहीं करेंगे आप गड़बड़ करते रहेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। और इंसान है, इंसान में तो वीकनेस होती है, हमारे अंदर भी हज़ारों लाखों वीकनेस है, तो कई बार आप उस चीज़ को इग्नोर करते हैं कई बार, तो ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति पवित्र है और बड़ा उसकी एक बड़ी भावनात्मक रूप से जुड़ा है, और जब तक आप उस लेवल पे कनेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा यह है कि जैसे शुरू में किसी से भी बातचीत करने के लिए, जैसे किसी के साथ आपको काम करना है तो माई वे और हाईवे तो नहीं चल सकता, आपको झुकना पड़ता है, आपको सीख समझना पड़ता है सामने वाले के नेचर, क्योंकि आप दोनों लड़ गए तो जो रिज़ल्ट आना है वो ही ख़राब हो गया। मान लो मैं कहीं पे ज़िम्मेदारी लगी है, मेरे साथ दो लोगों की और ज़िम्मेदारी लगी है, अगर मैं तीनों ही बढ़ जाएंगे, तीनों एक दूसरे के बारे में उल्टी सीधी बात करने लगेंगे, तो फिर तो पूरा सिस्टम ही ख़राब। तो आपको अपने अंदर समझना पड़ेगा कि भाई लक्ष्य ये नहीं है कि मैं इसके साथ झगड़ा करूँ, इसके और उसमें मेरा नाम किसका आया, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पीछे ही रह के रह जाओ, किधर भी रह के रह जाओ, लेकिन सबसे मेन काम ये है कि ये रिश्ता बना के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आपके अंदर वो भाव नहीं आएगा कि इस रिश्ते को बना के रखना है, इस संगठन को बना के रखना है, अगर वो अंदर है कि इस रिश्ते को बना, फिर आप कंप्रोमाइज़ करते हो, फिर आप सहते हो, फिर आप कई चीज़ें झेल भी जाते हो, कई चीज़ें इग्नोर करते हो, लेकिन एंड में ये होना चाहिए कि कोर में होना चाहिए कि इस रिश्ते को बना के रखना है। तो जब तक आपके मन में होगा भाई संगठन को जोड़ के रखना है, तो कई आदमी गलत करता है, कई मैं तो मेरा ख्याल है आप भी कम से कम ऐसे, हम कम से कम 200-300-400 लोगों को तो जानते हैं जिनका व्यवहार अन्ना आंदोलन के समय कैसा था और आज के समय, आज उनको लगता है ये तो बहुत ही सुधर गए, बहुत अच्छे हो गए, लेकिन हमने छोड़ा नहीं उनको, पकड़ के रखा बीच में, चलो ठीक है झेलते रहे कुछ, क्योंकि आदमी कई बार एक फेज़ से होता है, कई बार एक आदमी एक वातावरण में है, उसका एक रिफ्लेक्शन होता है, कई बार अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है उसकी भी निकलती है। तो मेरे को जो समझ में आता है वो ये है कि आपको इंसान को अपने बराबर समझना पड़ेगा। आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई आप ऊपर आ गए, ऐसा नहीं कि कोई दुर्गेश पाठक जितना टैलेंटेड लोग नहीं है, दिल्ली के संगठन में कम से कम हज़ारों लोग ऐसे होंगे जो मुझसे ज़्यादा, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उनको ऊपर आने का मौका नहीं मिला, ऐसा नहीं कि। तो ये जिस दिन आप समझ जाओगे कि आप कोई बहुत अद्भुत चीज़ नहीं हो, आपको प्लेटफॉर्म मिल गया तो आप आ गए, आप काम कर रहे हैं जो भी है, लेकिन ऐसे हज़ारों लोग हैं जो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा अचीव किया है। मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जिनका बड़ा अच्छा बिजनेस है, 200-500 हज़ार लोगों को वो अपने घर पे नौकरी रख के काम पे कर लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके अंदर संगठनात्मक क्षमता नहीं है या टैलेंट नहीं, बस कई बार एक वॉलेंटरली ऑर्गेनाइजेशन को संभालना, एक कंपनी को संभालना अलग होता है, कई बार फेज होता है, कई बार उस तरह से आपका सोशलाइजेशन नहीं होता, जैसे अब एक बच्चा पैदा होता है 6 साल में जो आप सिखाते हो, 7 साल में, 8 साल में, आप 6 से लेके 20 साल में जो उसको सिखा देते हो काइंड ऑफ वही बच्चा होता है पूरी तरह से। तो संगठन में भी वही चीज़ है कि जिसने नीचे से सीखता चला गया, समझता है कि भाई वार्ड लेवल पे किस तरह की राजनीति होती है, किस तरह के एक दूसरे से मतभेद हैं, तो वो जब तक वो सारी चीज़ें, और ऐसा नहीं कि हर किसी को पोस्ट ही चाहिए, हर किसी को टिकट चाहिए, बहुत सारे लोग बस ये चाहते हैं कि उनको सुना है पार्टी ने, मेरी भी भूमिका है इस पार्टी के अंदर, मेरी एक रोल है कि मैंने इस पार्टी को बनाया और लोग मुझे एक्नॉलेज करते हैं। हम कह तो सकते हैं कई बार कि वॉलंटियर्स ने इस पार्टी को बनाया, लेकिन कई बार इंडिविजुअल, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कोई भगवान तो है नहीं, हमें भी अच्छा लगता है कोई आके पीठ में कहे कि यार दुर्गेश आज तुमने बड़ा अच्छा काम किया, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। तो आई थिंक वो एक, जब तक वो एक प्रेम का भावना और एक पारिवारिक भावना नहीं होगी और साथ में ये भावना ना हो कि भाई हमें बना के रखना इस रिश्ते को, तब तक, और ये मुझे लगता है कि सिर्फ संगठन नहीं, हर एक चीज़ में, परिवार है, परिवार टूट जाएगा अगर आप ये सोचें कि मुझे बना के नहीं रखना, क्योंकि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इतनी ज़्यादा है। तो आई थिंक प्रोबेबली ये कुछ चीज़ें हैं जो कोर में रहना चाहिए, अगर ये चीज़ें रहती हैं तो शायद आप संगठन को चलाने में आसानी होती है और संगठन को आप चला ले जाते हो।
फ़र्ज़ करिए एग्जांपल है कि मैं किसी, मान लीजिए मैं आपके पास आता हूँ और मैं फलां फलां पार्टी से फलां फलां पद पे रहा हूँ, MLA रहा हूँ या पद पे रहा हूँ, बड़े पद पे, और मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैं मुंह पे नहीं लाऊँगा शायद पहली बार आपसे मुलाकात करते समय, पर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, और मैं आपसे आके मिलता हूँ, आपको भी समझ में आता है कि इसकी क्या मन मंशा चल रही है, और आप मुझसे सुनते हैं, समझते हैं, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति को कितना वजूद देना है, भाव देना है? देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दूसरी पार्टी के लोग आए हुए, अपने में भी बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी पवित्र बातें करते हैं लेकिन उनके अंदर भी बड़े लोभ, ये सारी चीज़, तो इंसान की कैटेगरी पे ले जाइए। तो पहले तो ये भेद ख़त्म कर दीजिए कि ये BJP से आया है, ये कांग्रेस से आया है, ये BSP से आया है, पहले तो ये भेद ख़त्म करना पड़ेगा। जिस दिन आपने भेद ख़त्म कर दिया, अब आप उसको उसकी मेरिट एंड डिमेरिट पे डील करिए। भाई, हर व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है कि उसको कुछ चाहिए, उसको MLA चाहिए, उसको काउंसलर चाहिए, उसको संगठन में ज़रूरत होती है। आपको ये देखना पड़ता है कि भाई वो काम कर पाता है कि नहीं कर पाता। आपने उसको काम दिया, उसने काम अच्छे से डिलीवर कर दिया, अगर काम अच्छे से डिलीवर कर दिया तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो चाहे उसके मन में धूर्तता भी हो सकती है बहुत सारी, और मेरा अपना मानना है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा धूर्तता होगी वो बहुत दिन तक चलता नहीं है, वो एक्सपोज हो जाता है, एक्सपोज होकर खुद ही बाहर हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं, बस भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। बहुत सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में करने की कोशिश मत करिए, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने ये टास्क दिया, ये टास्क है, ये टास्क होगा, उसमें आपको पता चल जाता है यार कि ये लड़का बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत, मैं जानता हूँ, एक कृष्णा जी हम लोगों के आंदोलन में होते थे और अभी भी मैं देखता हूँ बहुत काम करते, वो ट्यूशन पढ़ाते थे, उनके पास एक बड़ी पुरानी सी कार मारुति अटेंडेंट होती थी, वो आते थे और वो कुछ ना कुछ विचार अपने मन में लिखते, कागज पेन से लिखते थे, उसकी फ़ोटो स्टेट कराते थे, और फ़ोटो स्टेट करा के एक एक व्यक्ति को वहाँ बांटते थे कि देश कैसा होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें उनको जाके देना दे, उस एक एक करके जाके बांटते थे। और मैं उनको देखता था कि वो जैसे ये होता था भाई कि 5 बजे आंदोलन ख़त्म हो जाएगा तो 3-3:30 बजे आते थे, और उसके बाद वो 7 बजे तक 6:30 बजे तक वहाँ होते थे, और जितने भी गिलास गिरे होते थे, पत्थर गिरे थे, सारे उठा उठा के अपनी गाड़ी में रख के वो फेंक आते थे बाहर। ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को, मैंने उनसे कई बार कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनिए, आप लोग बोले ये मेरे से हो नहीं सकता और मैं कर नहीं सकता ये। तो हर व्यक्ति का अपना एक टैलेंट होता है, हर व्यक्ति का, तो उस हिसाब से हाँ, उनके विचार बहुत स्ट्रांग है। आपको कभी लगता है कि वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उनको बुलाइए, वो बड़ा अच्छा समझाते हैं, वो बड़ी अच्छी चीज़, किसी के मन में बड़े ऐसा लग रहा है कि वो बड़ा डिमोरलाइज है तो उनको बुलाइए, वो बड़ा मोटिवेट करते हैं। तो हर व्यक्ति का रोल अलग अलग है, हर व्यक्ति के संभावनाएँ अलग अलग हैं, हर व्यक्ति अलग तरह की चीज़ पार्टी के अंदर लेके आता है। मैं देखता हूँ कई लोग ऐसे हैं जो 10 मिनट आपके साथ बैठेंगे, आपको बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देते हैं, आपको, आप तैयार हो जाते हो पार्टी ज्वाइन करने के लिए। और कई लोग ऐसे होते हैं, उनको अगर भेज दो पार्टी ज्वाइन कराने के लिए, वो सारा गुड़ गोबड़ करके आ जाते हैं पूरी तरह से। तो हर व्यक्ति का अपना टैलेंट है, पहचानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या काम कर सकता है, ये काम कौन नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन डिज़ाइन करता है, उसको आप बोल दीजिए कि जाके तू मतलब ये कर। कोई व्यक्ति बड़ा अच्छा होता है कि डोर टू डोर में कन्विंस बड़ा अच्छा करता है, तो उसको, तो फिर ये बेसिकली आपको ये सारी चीज़ों में सबको एक खांचे में फिट करना बड़ा ज़रूरी है, और फिट करते चले गए, जितनी अच्छी पहली लेयर फिट होगी उतनी अच्छी दूसरी लेयर फिट होगी, तीसरी लेयर फिट। तो सबसे ज़रूरी है कि इन लेयर्स को फिट करना, फिर इनको मॉनिटर करिए, लगातार इनमें काम चलता रहे। आप बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े टैलेंटेड लोग हैं, उनको हम 2 महीने काम ना दीजिए बेचारे सब ख़त्म हो जाएंगे। तो काम भी देने की ज़रूरत है, लगातार मिलने की ज़रूरत है, उनके ग्रीवेंसेस भी सुनने पड़ते हैं, उनके ग्रीवेंसेस भी क्लियर। तो जब तक ये सारी चीज़ें आप नहीं करते हैं, आप एक बहुत बड़ा रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते हैं, और रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन तभी बनेगा जब ये सारी चीज़ें हम करेंगे। मुझे 2016 की, अभी आपसे बात करते हुए, 2016 शायद, यदि मुझे साल ठीक याद है तो 2016 की एक तस्वीर याद आती है, जहाँ आप शायद एक, कोई एक जगह है, शायद पंजाब की बात है, एक बड़ी रैली थी, शायद अरविंद जी की बड़ी रैली थी, उसको आप उसकी तैयारियों में आप शामिल थे, उसको संचालित करना था आपको, और शायद आप पहुंच भी नहीं पाए थे रैली के जगह तक, और बीच में से ही आपने शायद सिर पर रुमाल बांधा हुआ था और साथ में चाय का कप रखा था,
अपने एक तस्वीर अपनी पोस्ट की थी, और ये पता चल रहा था कि कितना इतनी बड़ी रैली को ऑर्गेनाइज़ करने में जो सैकड़ों टास्क हैं और उसमें हज़ारों लोग इन्वॉल्व हैं, उनमें लाइन वन से लेके और लाइन दस तक सब लोग अपना काम यदि ठीक से ना करें, किसी की भी गड़बड़ हो तो डांट तो आपको पड़ेगी, सुनना आपको पड़ेगा, जिम्मेदारी आपकी तय होगी। ऐसे टाइम पे जो टेम्परामेंट है वो कैसे मेंटेन करते हो? मतलब आपकी बात करते हुए आप लगता नहीं कि किसी 32-33 साल के लड़के से बात हो रही है, बड़ी मैच्योरिटी से आप बात करते हो, सब जानते हैं इसको और मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमेशा से इसको। कैसे होती है इतना मानसिक स्वास्थ्य, दिमागी स्वास्थ्य कैसे मेंटेन करते हो आप? आई थिंक रिफ्लेक्शंस हैं चीज़ों को लेकर। आई थिंक मैं थोड़ा ज़्यादा, अगर मेरे को 10-15 मिनट 20 मिनट भी मिलता है तो मैं आराम से बैठना पसंद करता हूँ, कुछ बड़ी डीप चीज़ें देखना पसंद करता हूँ, कुछ पढ़ना पसंद करता हूँ, शायद वहाँ से भी आता है। दूसरा यह है कि इंसान को शायद उसकी कमियों के साथ लेता हूँ तो शायद उतनी झंझट नहीं होती, लगता है कि हाँ यार गलतियाँ तो हो सकती हैं। डांट भी मिलती है, डांट तो ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन ही कोई ना कोई मिल ही जाता है सिस्टम में। तो आई थिंक ओवरऑल ये है कि उस समय ये होता है कि ये टास्क सक्सेसफुल करना है और उसमें फिर आपको पूरा एनर्जी, पूरा ताकत, पूरा दम लगाना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा नहीं होता, मैं नीचे चीखता नहीं, मैं चिल्लाता नहीं, नेचुरल है, वो भी मैं करता हूँ। लेकिन यह कि एक बार जब टास्क ख़त्म हो गया तो फिर सबके साथ बैठ के, सबके साथ अगर किसी को ज़्यादा डांट दी तो उसके पास जाके सॉरी भी बोलाता हूँ, किसी ने काम नहीं किया तो ऑब्जर्व कर लेता हूँ, फिर अगले टास्क में उसको नहीं रखता, तो ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। पर मोटा मोटा ये है कि मैं 23-24 साल में इस आंदोलन में आया और उस समय तो बिल्कुल ही 22-23 साल के नौजवान की बचपना था। आई थिंक इस आंदोलन ने बहुत मैच्योर कर दिया, इतनी चीज़ें देख ली ना, इतने अप एंड डाउन्स देख लिए कि शायद अब बहुत छोटी छोटी चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करती, बहुत छोटी छोटी चीज़ें फ़र्क ही नहीं डालती, लगता है कि हाँ ठीक है। पहले बहुत छोटी छोटी चीज़ों से एकदम घबराहट हो जाती थी, अब नहीं होती। उसका रीज़न है कि पिछले 8-10 सालों में इतने अप एंड डाउन्स देख लिए, अपनी पर्सनल लाइफ में भी देख लिया, पार्टी की लाइफ में देख लिया, बहुत सारे लोगों को आते हुए जाते हुए देखा, बहुत सारे अच्छे लोग आए और चले गए, बहुत सारे ख़राब लोग आए चले गए। तो कहीं ना कहीं वो एक जो 8-10 साल का जो एक दौर भी रहा है उससे मेंटल इक्विलिब्रियम उसने भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बस बहुत सारे भाव को ख़त्म करके। वैसे कुछ जैसे आपने रिफ्लेक्शन शब्द यूज़ किया, क्या रिफ्लेक्शन का तरीका है आपका, कोई स्पिरिचुअल साधना या कोई मानसिक तौर पे कैसे तैयार करते हो? मैं थोड़ा मेडिटेशन तो करता हूँ। दूसरा ये कि विपश्यना भी किया ना शायद? मैं विपश्यना भी किया, मैंने मेडिटेशन करता हूँ। दूसरा, अगर मेरे पास कोई मीटिंग नहीं है और मेरे पास कोई काम नहीं है, या ऐसे कहूँ कि मैं खाली हूँ, तो मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ। मैं मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुझे दिन में 2 घंटे ऐसे मिले जब मैं बिल्कुल अकेले रहूँ। तो क्या करते हैं उसमें? कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पढ़ भी सकता हूँ, मैं सो भी सकता हूँ, मैं बस बैठ के कुछ चीज़ें सोच भी सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे 1-2 घंटे दिन में कोई ना कोई ऐसा टाइम मिले जब मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। वो कई बार ब्रेकफास्ट से पहले का टाइम होता है, कई बार आप रेडी हो रहे हो चीज़ों को लेकर उसके बाद होता है, कई बार रात में समय मिलता है कि आपको सारा काम वम ख़त्म कर लिया, सबसे फ़ोन पे बात कर ली, फिर आपको लगता है चलो 10 मिनट थोड़ा सा बैठ जाए, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा टाइम दिन में निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं गाड़ी में हूँ तो मैं पीछे वाली सीट पर बैठ के अपना, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्या अगल बगल चल रहा है, फ़ोन थोड़ा साइड में रख दिया और थोड़ा सा अपने मन में ही कुछ ना कुछ सोचते हुए, ये मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिन भर की चीज़ों के बारे में, क्या रहा कल, क्या हुआ, आगे क्या क्या टास्क है, उसको लेकर क्या क्या है, तो इस तरह से कई सारी चीज़ें मन में मुझे लगता है वो एक शांति देती होगी। बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो बिल्कुल दिन भर परेशान रहते हैं, दिन भर स्ट्रेस लेवल बिल्कुल हाई रहता है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पे टारगेट पूरा नहीं हुआ तो पता है कि आज शाम को खिंचाई होगी। तो कभी खिंचाई के बाद रोए हो? नहीं, रोना तो नहीं आता, लेकिन फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा तो आता है बहुत ज़्यादा। अभी जैसे क्या होता है उस फ्रस्ट्रेशन के बाद? अब थोड़ा सा फिर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, फिर 1/2 घंटा 1 घंटा तो दिमाग डिस्टर्ब रहता है, फिर थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं, फिर से टीम को इकट्ठा करते हैं, फिर उनको फिर से मोटिवेट करते हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर भी कई बार चीख जाते हैं तो उनको भी समझाते हैं,
थोड़ा सा और गलती क्या कर रहे हैं, दूसरों से भी पूछते हैं कि इसको और अच्छे कैसे कर सकते हैं, तो ये होता रहता है। जैसे अभी बिजली की रजिस्ट्रेशन है, जैसे गोवा में काम चल रहा है तो उसमें कई बार रजिस्ट्रेशन बहुत कम हुए, दिन भर में 2000 ही रजिस्ट्रेशन हुए, तो फिर शाम को यार ऐसे कैसे काम चलेगा, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, तो फिर उसको फिर लगता है यार कि हमसे गड़बड़ी हो रही है, तो फिर से टीम को बिठाना पड़ता है, उनके साथ बैठना पड़ता है, उनके साथ बहुत डीप लेवल पर बैठना पड़ता है कि यार तुम गलती कहाँ कर रहे हो, तुम इस असेंबली के अंदर ये क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या गड़बड़ी कर रहे हो, तो वहाँ के इंचार्ज को बुला के बात करनी पड़ती है, उसको फ़ोन पे बात करनी पड़ती है कि तेरे से गलती क्या हो रही है, क्या गड़बड़ी कर रहा है। तो इस लेवल पे जब आप माइन्यूटली जाके चीज़ों को देखते हो तो ठीक भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि तीन तीन चार चार पाँच पाँच दिन तक बिल्कुल ही ख़राब था, एक बार आपने नीचे तक ऊपर से नीचे सबसे बात कर ली, सबको मोटिवेट कर दिया, थोड़ा समझा दिया, अगले दिन से आप देखते हो यार पिकअप कर गया और आपको विश्वास नहीं होता कि इतना अच्छा लड़कों ने कर दिया सारा काम। तो बेसिकली ये है कि आप जब भी इस तरह की चीज़ आती है तो फिर से कहते हैं ना कि बैक टू बेसिस, फिर से बेसिस पे चले जाओ, ड्राइंग बोर्ड पे चले जाओ, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ चीज़ें ठीक कर सकते हैं, तो वो एक बार आप कर लेते हो तो ठीक हो जाता है। और ये रेगुलर चलता रहता है, ऐसा नहीं कि कोई एक कैंपेन के बाद ये शांत हो जाएगा, हर कैंपेन में हर तीसरे जब तक वो कैंपेन चल रहा है कम से कम ऐसी दसियों बार आप गलती करते हो। मतलब मैं अभी भी इतनी रैलियाँ कराने के बाद अभी भी सीएम की रैली होती है तो मेरे को मतलब अगर 2 बजे की रैली है तो मैं सुबह से कुछ खा नहीं सकता, मेरे को इतना नर्वसनेस, और मेरा बीपी वीपी कोई चेक करे तो बढ़ा ही रहता है। मतलब सिंपल सी है, अगर मान लीजिए उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है सीएम साहब की, मुझे नहीं लगता मैं सुबह से खा सकता हूँ, जब तक वो परफेक्टली एकदम बढ़िया से हो नहीं जाएगी उसके बाद फिर 2-4 लोग कह देंगे बहुत अच्छा था, फिर जाके कुछ खाऊंगा। तो ये एक आप ये कह सकते हो कि ये डिवोशन भी है अपने काम को लेकर, या आप ये कह सकते हो कि मतलब वो उस तरह से ट्रेनिंग हो गई है दिमाग की कि मतलब अभी भी मुझे लगता है कि यार मैं कई बार सोचता हूँ यार इतनी रैली करा ली, 100-150-200 रैलियाँ करा ली, एक दो रैली छोड़ दिया जाए तो सारी की सारी हिट रही, अब मैं इतना नर्वस क्यों होता हूँ, सही हो जाएगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि फिर भी मतलब अगर 200 लोग भी इकट्ठे करने हैं कहीं पे तो भी मुझे लगता है मैं नर्वस हो जाता हूँ। 200 नर्वस हो जाते हो या एंग्जाइटी होती है? एंग्जाइटी कह लो, नर्वस कह लो, या जब तक वो देख नहीं लूँगा तब तक बस फ़ोन चलता रहेगा यार कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं साथ में, कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं लोग, जब तक ये एकदम सटीक नहीं हो जाता फिर मुझे पता है कि अगर ये 11 बजे कह रहा है तो 12:30 पहुँचेगा, झूठ बोल रहा है मुझसे, ये ये भी दिमाग में है, अनुभव है, अनुभव है कि हाँ अभी मेरे फ़ोन के कारण ये अभी नर्वस, ये भी बेचारा परेशान है तो 11 बजे कह रहा है जी 15 मिनट पहुँचाऊंगा, मुझे पता 15 मिनट में नहीं पहुँचेगा, 1 घंटे पहुँचेगा। तो ये सारी चीज़ें अब आप एक तरीके से दिमाग में सेट हो जाता है, फिर आप सक्सेसफुल हो जाता है, फिर आप थोड़े से हो जाते, क्योंकि एक्चुअली है क्या कि ये एक कैंपेन नहीं है। मतलब जैसे जब हम अन्ना आंदोलन में आए थे तो एक दिमाग में आया था ना कि ये इस तरह का देश बनाना है, इस तरह का समाज बनाना है। तो हर कैंपेन की सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कहीं ना कहीं उस समाज की तरफ दिखाता है। अगर आज हम फेल हो गए तो वो समाज की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं पीड़ा देती है। तो इसलिए डर लगता है कई बार हारने से, डर लगता होता है फेलियर होने से, इसलिए शायद अपना पूरा एफर्ट डालते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि भाई एक सक्सेसफुल होना चाहिए कैंपेन। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, कभी कोई महत्वाकांक्षा मन में आती है? नेचुरल है, महत्वाकांक्षा तो रहती है, लेकिन फ्रैंकली कई बार मतलब मेरा बड़ा डिफरेंट सा है, कई बार मुझे लगता है कि ये बड़ा बोरिंग काम है जो मैं करता हूँ और मैं क्यों हूँ इसमें मुझे यही नहीं समझ में आता है। कई बार तो मुझे लगता है सब कुछ छोड़ के बस एक अलग दुनिया में जाओ, शांत रहो, जैसे पहले थे वैसे रहो, फिर ये लगता है कि नहीं छोड़ नहीं सकते। तो मतलब फ्रेंकली बोला जाए तो कई बार तो हर तरह की चीज़ आती है, कई बार लगता है कि ये चीज़ मिलनी भी चाहिए, जीत जाते, चुनाव जीतना चाहिए, चुनाव जीतेंगे तो थोड़ा सा मेरा भी नाम होगा, 10 लोग मेरी भी तारीफ करेंगे। फिर समटाइम ये लगता है कि यार इससे फ़ायदा क्या है, क्या ही तारीफ़ करके, क्या ही 4 लोग जान गए तो क्या फ़ायदा है, छोड़ो ना इसमें क्यों एनर्जी दबाव करना, बस ये ख़त्म हो किसी तरह से, घर जाएं यार, जाके फिर से पढ़ाई करें, फिर से जाके। 2015 में मुझे याद है आपने बहुत सारी कैंपेन्स चल रही थी और पीक पे था कैंपेन का समय, उस समय आपने पता नहीं
पोस्ट किया था कहीं या किस तरह से, मुझे याद नहीं है कि मुझे इस चीज़ की कैसे जानकारी मिली थी, पर आपने ये लिखा था कि मन करता है कि वापस पुरानी ज़िंदगी में लौट जाऊँ, क्या मतलब था वो क्षण? मुझे अभी भी वो चीज़ है, मतलब मैं फ्रेंकली बताऊँ क्यों ऐसा, मतलब खुश नहीं है? खुशी वाली बात नहीं, मुझे लगता है मैं इस पूरे प्रोसेस से डिटैच बहुत हूँ। डिटैच्ड मुझे कोई मतलब, एक तो कई बार ये लगता है ना कि जैसे वो आप द्वंद्व है अंदर, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मैं ये सोच रहा हूँ ये फुल है, मतलब ये भी द्वंद्व है, इसको भी मेरा दूसरा मन समझाता है कि नहीं छोड़ नहीं सकते, इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी पवित्र चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है, छोड़ कैसे सकते हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, इतनी बड़ी अच्छी टीम है आपके साथ, आप कैसे छोड़ सकते हो। फिर दूसरी तरफ लगता है यार कि भगवान राम भी तो पैदा हुए तो वो कुछ ना ठीक कर पाए चीज़ों को, फिर बुद्ध भी आए थे, उसके बाद भी परेशानियाँ हैं बहुत सारे, तो हम अपनी ज़िंदगी क्यों बेकार कर रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं, थोड़ा सा कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। मेरे मन में एक बड़ा वो रहता है, जैसे कि मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आ गया इस आंदोलन में, और मैं इतना डूब गया कि मुझे लगता है मैं बहुत सारी चीज़ें कर नहीं पाया, जो लोग जो 22-23 साल सबके साथ है, वो कहीं ना कहीं हम सीधे सीधे 22-23 साल की उम्र के बाद सीधे सीधे 50-55 साल की मेंटेलिटी में आ गए, एक 55 साल के इंसान टाइप में हो गया। तो लगता है यार बहुत सारी अच्छी किताबें नहीं पढ़ी हमने, बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं गए हम पढ़ने, बहुत सारे अच्छे लोगों को हमने नहीं देखा, बहुत सारे अच्छे लोगों को हमें पता ही नहीं है कि यार इतने अच्छे अच्छे लोग बोल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे फिलोसोफर इस देश के अंदर हैं, इस दुनिया के अंदर, हम वो कहीं ना कहीं वो फेज मिस हो गया। बिल्कुल ठीक, क्योंकि उनको समझने के लिए एक बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए, वो बैकग्राउंड नॉलेज हमारे पास है ही नहीं, वो है नहीं तो हम समझ ही नहीं पाते उनको। तो मन में बड़ी वो आती है कि यार मतलब इतने लोग जानते हैं और जब उनसे बात करोगे तो उनको लगेगा यार ये तो बड़ा हल्का आदमी है, इसको समझ ही नहीं है, और ये बड़ा पॉलिटिशियन बन रहा है, ये कह रहा है मैं देश बदलूंगा, देश की समझ नहीं है इसके अंदर, तो इसके अंदर तो समाज की समझ नहीं है, तो ये देश क्या बदलेगा, ये समाज क्या बदलेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक भाव है अंदर, और ये भाव हमेशा ये कहता है कि यार एक साल का ब्रेक लो, दो साल का ब्रेक लो, तीन साल का लो, पढ़ो पहले थोड़ा सा और समय समाज के बारे में और जानो, थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में अच्छे समझो, थोड़ा फिलॉसफी के बारे में अच्छे से जानो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो जब तक आप जानोगे नहीं तब तक ऐसा लगता है कि फिर शायद आप इस समाज को और अच्छे से नहीं समझ सकते। खुद को कैसे तैयार करोगे। तो बीच में आप स्टैनफोर्ड जाना हुआ था आपका, क्या पढ़ाई कर रहे थे आप वहाँ पर? मैं वहाँ पर मैंने इंटरनेशनल रिलेशन एंड लॉ की पढ़ाई की थी, और फिर मैंने सोचा था मैं मास्टर्स करूँगा वहाँ पर, फिर मैंने मेटकॉफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक वो है पॉलिसी स्कूल है जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया, बट समहाउ 2-3 महीने बाद फिर मैं तो वहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे एक तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और मुझे बड़ा अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स का साथ मिला वहाँ पे। फिर मैंने कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया, मैंने इलेक्शन रिसर्च के ऊपर काम किया, एक हमारा एक पेपर मेरा पब्लिश होने वाला है, एक साथ गुलजार हैं क्या बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर और निर्वाण है, उसके साथ हम लोगों ने फीमेल वोटर बिहेवियर के ऊपर काम किया था, हमने रिसर्च किया था पंजाब में एक लोकल बॉडी इलेक्शन था और यूपी में लोकल बॉडी इलेक्शन था, उस पर हम लोगों ने रिसर्च किया था कि फीमेल वोटिंग बिहेवियर किस तरह से चेंज होती है। मान लीजिए जैसे किस तरह का पैम्फलेट यूज़ करें तो कैसा होगा, अगर मान लीजिए कि आपके घर पे कैंपेन करने के लिए एक पुरुष आ रहा और एक महिला आ रही है और एक पुरुष और महिला की टीम आ रही है तो वोटिंग पैटर्न पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या बिहेवियर पे फर्क पड़ता है। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था, उसका रिसर्च ऑलमोस्ट पूरा है, आई थिंक नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर। तो आपकी मास्टर्स का पार्ट है ये? ये मेरी मास्टर्स का पार्ट नहीं, ये हम बेसिकली क्या हुआ, मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर कोई 100-150 बच्चे थे इनरोल, तो मैंने अपनी CV डाली और मैंने बताया जी मैं फला फला आदमी हूँ, मेरा ये मैंने काम किया है, किसी को अगर लगता है उसके पास टाइम है, किसी को लगता है कि मुझसे बात करके कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे कुछ बात करके सीखने को मिलेगा तो मैं खाली रहता हूँ, मेरे को बताओ। तो उस पर मुझे लगता है 40-45 लोगों ने मुझे उस पर मेल पर रिप्लाई किया और मुझे उस ग्रुप में रिप्लाई किया, वो स्टैनफोर्ड का एक ग्रुप होता था, वो उसके अंदर वो सारे लोग होते थे। तो मैं जितने दिन था ऑलमोस्ट हर दिन एक या दो व्यक्ति के साथ
कॉफ़ी पे पीता था और उसमें बहुत सारे कोई यूरोप, मतलब मैं सोचता था कि कोई यूरोप का लड़का है, कोई नीदरलैंड का है, कोई साउथ अमेरिका का है, कोई एशिया के ही बहुत सारे, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग मिले मुझे, मुझे मिडिल ईस्ट के, ईरान इराक के बहुत सारे लोग मिले। तो मैं सबके साथ एक एक डेढ़ दो घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे उनकी कल्चर के बारे में, अपने बारे में उनसे सीखना चाहता था। तो ये सारी चीज़ें, तो यहीं से फिर क्या हुआ, मैं एक दिन मैं अपने प्रोफेसर से मिला, मैंने कहा कि इस तरह की चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, मतलब मैं बहुत क्लियर नहीं था, मुझे मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मुझे क्या सीखना चाहिए। तो उसने कहा कि आप पॉलिटिक्स में हो तो कुछ पॉलिटिकल रिसर्च करो। मैंने कहा क्या कर सकता हूँ, किससे कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे साद गुलजार से मिलवाया। साद गुलजार एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो पाकिस्तान से हैं और अभी स्टैनफोर्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो, और उन्होंने सिंगापुर से अपनी पॉलिसी की, फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की। तो उनके साथ फिर मैं जुड़ गया। तो वो भी बेचारा पाकिस्तान का, मैं हिंदुस्तान, तो एक दूसरे के प्रति बहुत सारी जो एक भावनाएं हैं वो एक दूसरे के साथ सुना। फिर मुझे लगा अरे आदमी तो बड़ा अच्छा है, चलो इसके साथ मिलके कुछ कुछ करते हैं। तो हम लोगों ने फिर पेपर शेयर करने शुरू किए, फिर कुछ रिसर्च किया, कुछ डेटा निकाला, उस डेटा के ऊपर कुछ कुछ काम किया। तो फिर अनिर्वाण, यही दिल्ली का लड़का है, वो वहाँ बर्कली से पीएचडी कर रहा है, तो उसके साथ कुछ कुछ शुरू किया। एक तनुश्री गोयल हैं, वो आम आदमी पार्टी के ऊपर रिसर्च कर रही थी, तो उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती बनी। तो उनके साथ, वो अभी हार्वर्ड में है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करके हार्वर्ड में गई वो, तो उनके साथ एक कुछ फीमेल रिप्रेजेंटेटिव जितनी होती हैं, जैसे फीमेल MLAs हैं, फीमेल जो काउंसलर्स हैं, अगर वो होती हैं तो कितना वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम लोग रिसर्च, जो दूसरा पेपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। एक हम लोगों ने झारखंड में एक रिसर्च किया था, कि वो भी पेपर आई थिंक प्रोबेबली 6-8 महीने के अंदर आएगा, कि कोई व्यक्ति वॉलंटियर क्यों बनता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों ज्वाइन करता है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी ज़रूरी चीज़ है, हमें भी बड़ा क्लियर नहीं, हमें लगता है नहीं बड़ा आइडियलिज्म होगा, ये होगा। तो हमने उसमें बड़े सारे, जैसे 8 डिफरेंट तरीके के पैम्फलेट डिज़ाइन किए, उसमें एक तरफ तो नॉर्मल लिख दिया, एक तरफ आतिशी की फ़ोटो लगाई कि मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ती थी, मैंने ये किया, मैं रोड्स स्कॉलर थी, मैंने एक दिन तय किया कि मैं आम आदमी पार्टी जाऊँगी और आम आदमी पार्टी में मुझे अब यहाँ पर मौका मिला, मैं MLA हूँ। तो कुछ एरिया हमने डिसाइड किया, वहाँ पर उस तरह के पैम्फलेट बांटे, फिर देखा कि वहाँ से मिस कॉल कितने आ रहे हैं। फिर एक जगह पर मैंने सरिता की फ़ोटो लगाई कि मैं इस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ, गाँव से आती हूँ, ऐसे किया और मैं अब MLA हूँ। तो वो दूसरे एरिया पॉकेट में बांटा और देखा कि वहाँ से कितने लोग मोटिवेट हो गए। फिर संजीव झा का कहीं डाला, कहीं पे किसी और का। तो हमने इस तरह के 8 डिफरेंट प्रोफाइल्स के साथ पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किए वहाँ पे, कोई 5 लाख के आसपास हम लोगों ने पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किया। और हमने देखा कि किस तरह के पैम्फलेट्स के ऊपर किस तरह के रिएक्शन आते, तो कोई आई थिंक प्रोबेबली 8,000 मिस कॉल्स आए। कंपाइल हो गया आप इसके, फिर ये सारा हमने डेटा कंपाइल किया, फिर एक एक जिन्होंने कॉल किया था, मिस कॉल किया था, उनको फिर हमने दोबारा कॉल करके उनके इंटरव्यूज़ लिए, 40-45 क्वेश्चंस बनाए उनके, उसके इंटरव्यूज़, फिर वो डेटा सारा कंपाइल किया। अब आई थिंक 6-8 महीने के अंदर एनालिसिस चल रहा है और उसके ऊपर फिर आई थिंक 8 महीने के ऊपर बाद हम लोग पेपर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा दूसरा पेपर था। तो इस तरह की चीज़ें मेरे को, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक मेरे अंदर वो है ना कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, कुछ समझ नहीं है मुझे, दुनिया की मेरे को जानकारी नहीं है, उस मेरी चीज़ को थोड़ा सा संतुष्टि देता है। तो कहीं ना कहीं मेरी ईगो संतुष्ट होती है कि हाँ मैं कुछ ढंग का काम नहीं, ईगो नहीं है ये जरूरी, जो भी कह लो, मतलब एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, एक इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन मिलता है। वजन भी कम किया आपने 4-5? मैं बहुत, मेरा वजन का बड़ा प्रॉब्लम है, मैं एक्चुअली काम का ही है, स्ट्रेस का ही है, तो कई बार बढ़ जाता है। मैंने तो सोचा था 2-4 kg और कम करके तब इंटरव्यू दूंगा, बट ठीक है। आप दिल्ली रुकते हो कि आपका वेट घटने की हम वेट करें तो पता नहीं साल ही ना निकल जाए। मेरा अराउंड 5 kg के आसपास कम हुआ वेट। बहुत अच्छा। अभी तो स्ट्रेस की वजह से बढ़ता है ऐसा? मोस्टली स्ट्रेस है। दूसरा फिर क्या है कि जैसे आप सुबह 8-9 बजे निकल गए, रात के 11 बजे पहुंच रहे हो, तो अब बाहर जाके तो आप क्या ही बोलोगे कि मुझे ग्रीन टी चाहिए या ये लूँगा, वो तो चाय दिया उन्होंने, चाय पी लो, किसी ने कोल्ड ड्रिंक पिलाई तो कोल्ड ड्रिंक, अब मना भी नहीं कर सकते। मेरे को ध्यान है, मैं कैंपेनिंग कर रहा था, तो मैं शुरू में मैंने वेट बहुत कम कर लिया, तो एक मैं बिल्कुल वो आप समझो बहुत गरीब फैमिली, उनके घर गया तो वो बेचारे कोल्ड ड्रिंक लेके आए, तो मैंने देखा यार कोल्ड ड्रिंक में तो कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, शुगर भी बहुत होता है, एडवाइजेबल नहीं है कोल्ड ड्रिंक पीना, मैंने पढ़ा था सारी चीज़ें।
तो मैंने ऐसे पानी पी लिया और फिर मैं बातचीत करके मैंने कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद अब चलता हूँ। तो मैं चलने लगे, मैं गाड़ी में आके बैठ गया, वो बंदा बोला जी आपने मेरा कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया। और उसकी आंखें देखने के बाद मैंने कहा यार बढ़ने दे वेट वेट, जो बढ़ना बढ़ने पहले इसकी कोल्ड ड्रिंक तो पी लेते हैं। मैंने कहा ये इसका प्यार जो है वो ज़्यादा बड़ा है, इसकी इसकी जो इज्जत है उसको ऐसा ना लगे कि मैंने उसके ये सामाजिक जीवन की ये एक एक, एक मांग है, मांग है आप कह सकते हो। फिर आप निभाना पड़ेगा, आप कैसे आप किसी झुग्गी वाले के घर गए, किसी अनऑथराइज कॉलोनी में आप गए, आप कैसे कह सकते हो कि मैं मतलब ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा यार। मतलब उस चाय पिला रहा है और चाय भी मतलब बड़ा दिल से बना के दे रहा है वो, तो आपको पीना पड़ता है। अब किसी को घर जाओ आप तो वो हिंदुस्तान में तो पूरी सब्जी खिलाएगा आपको, अच्छी सी रोटी तंदूरी रोटी खिलाएगा, अब उसे थोड़ी कह सकते मैं मतलब सैलेड खाऊंगा, मैं सूप पीऊंगा, जो मिल रहा है खा लो दिमाग वो भी मिल रहा है, मिल रहा है जो मिल गया वो भी बड़ी गनीमत है, ना मिले तो घंटों ना मिले और मिले तो कई बार। तो ये सबसे बड़ी जो मतलब पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ी डिमेरिट है, शरीर खराब हो जाता है पूरी तरह से। और मन, मन तो चलिए थकान नहीं होती कभी, मन तो आप थक जाते हो, बोरिंग काम है बहुत ज़्यादा, बोरिंग काम बहुत बोरिंग काम है मतलब बहुत इन सेंस की आप हमारे व्यूअर्स में से वॉलंटियर्स को मोटिवेट करोगे कि डीमोटिवेट करोगे, सॉरी बट कई बार बहुत बोरिंग काम लगता है ये। कई बार आपको बस कई सारे प्रोग्राम में बस इसलिए जाना है क्योंकि बस जाना है, और बस आपको लगता है यार सामने वाला नाराज ना हो जाए इसलिए जाते हैं। तो क्या करते हो, जाना पड़ता है। हैप्पीनेस कंटेंट कहाँ से निकलता है? मैं फिल्म देखता हूँ। कौन सी, कैसे देखते हो? मुझे मतलब ऐसे कोई वो नहीं है, मैं किसी भी तरह की फिल्म देख सकता हूँ। अभी हाल ही में कौन सी देखी? अभी तो मैंने एक लिटिल थिंग्स मैटर्स फिल्म देखी। अच्छा, ये अरे हाँ ये सुनी मैंने, थ्रिलर सी है। अच्छा। और वो देखी, फिर मैंने कोई अभी स्पाई मूवी देखी थी हॉलीवुड, हॉलीवुड कोई स्पाई मूवी देखी थी। तो मोस्टली मैं थ्रिलर ड्रामा। तो प्रोपोर्शन क्या रहता है बॉलीवुड और हॉलीवुड के बीच में? अभी मैंने एक वो देखा है हिट एंड रन, फिर मैंने देखा एक वो बड़ा अच्छा है, एक मैंने देखा अभी ये कॉट वेट करके कोई एक है, वो भी बड़ी सस्पेंस थ्रिलर है, वो देखा मैंने। तो इस तरह की चीज़ें देखता रहता हूँ। एक मैंने वो देखा कि एक फिल्म है सबको देखनी चाहिए, नो करके एक वो ब्राज़ील के ऊपर या किसी चीज़ के सिर्फ नो नाम है, नो नाम है, बेसिकली इट्स अबाउट रेफरेंडम। तो वहाँ पे एक तानाशाह था, वो शासन कर रहा था, तो तानाशाह के ऊपर बड़ा दबाव था कि डेमोक्रेटिक वो लेके आओ। तो फिल्म की चॉइस भी बहुत बोरिंग है ये भी सब ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिकल एक्सरसाइज का पार्ट है। तो कुछ इस तरह के भी देखता हूँ, कुछ बिल्कुल डिफरेंट देखता हूँ। तो मतलब ये मुझे रोमांटिक फिल्में नहीं देखी जाती बहुत ज़्यादा। क्या बात कर रहे हैं भाई, आपके रिश्ते रिश्ते ढूंढने का एक माध्यम बन सकता था ये प्लेटफॉर्म। आप अपने आपको पहले बोरिंग बोल चुके हो, उसके बाद अपनी मूवीज की चॉइस आपकी। मैं बहुत बोरिंग हूँ। नो और यस है। मैं बहुत बहुत बोरिंग हूँ, मैं बहुत बोरिंग हूँ, मेरे साथ निभना बड़ा मुश्किल काम। क्या बात कर रहे हैं। मैं ऐसा शादी का मूड नहीं है आपका। मैं तो ऐसा हो सकता नहीं, शादी तो करेंगे, मैं ऐसा भी हो सकता हूँ। कोई सामने वाला भी करना चाहे ना, आप अपनी छवि ऐसी बनाओगे तो कौन करेगा। मैं तो कई बार ऐसा हो सकता है दो घंटे बोल ही नहीं रहा हूँ, तो ये भी हो जाता है, बट इट्स ओके आई थिंक। कौन से महीने का जन्म है आपका? मैं अगस्त का हूँ, 3rd अगस्त। अच्छा, लियो हूँ मैं। लियो है आप। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। चुनाव लड़ना कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? संगठन का काम और चुनाव लड़ना, इसमें क्या भिन्नताएं हैं और अपना अनुभव बताएं कुछ। चुनाव लड़ना आई थिंक प्रोबेबली बहुत वियर्ड एक्सरसाइज है। वियर्ड, बहुत वियर्ड एक्सरसाइज है। बोरिंग के बाद वियर्ड। ओके, वियर्ड से क्या समझा जाए? वियर्ड इन सेंस कि एक आदमी को हजारों लोगों को संतुष्ट करना है। अरे बाप रे। वो 50 लोगों से मिल रहा है दिन भर, उसको 50 तरह की बातें करनी है, 50 लोगों से मिलना है, 50 लोगों के डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं, डिफरेंट, कोई नाराज है, कोई खुश है, कोई कुछ है, तो आप उसमें उसमें आप बहुत, और दूसरी चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा संगठन में कई बार आपको सख्त होना पड़ता है संगठन चलाते। चुनाव लड़ने में आप सख्त नहीं हो सकते क्योंकि आप तो वोटर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। तो ये, और दूसरा ये है कि मतलब प्रोबेबली थोड़ा सा और ज़्यादा फिजिकल बहुत ज़्यादा उसमें लगता है क्योंकि आप सुबह 6 बजे उठ गए हो, डोर टू डोर कर रहे हो 3 घंटे 4 घंटे,
फिर मीटिंगें कर रहे हो शाम को, फिर डोर टू डोर कर रहे हो, तो आई थिंक प्रोबेबली चुनाव लड़ने में कई बार आपके शरीर को बहुत पुश करना, माइंड उतना पुश होता है कि नहीं पुश होता मुझे नहीं पता, लेकिन शरीर बहुत पुश होता है। संगठन और कैंपेन में आपका माइंड बहुत ज़्यादा पुश होता है, शरीर भी पुश होता है, लेकिन यह कि शरीर उस लेवल पर पुश नहीं होता जिस लेवल पर आप इससे पुश करते हो। तो ये प्रोबेबली मेरे ख्याल से कुछ डिफरेंस और है। कुछ वोटों से आप हारे थे इस बार, उसके बाद क्या था मन, कैसा मन था? मुझे लगता है मुझे इस चुनाव से मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा, ऐसा नहीं था कि हाँ, बस ये था कि मतलब जब मैं देखता हूँ विधानसभा में लोग बोलते हैं तो मुझे लगता है यार कि मैं भी जीतता तो मैं भी, बड़ा नेचुरल है, मैं कोई ये कह दूँ कि मैं बड़ा, मेरे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है, तो आता है समटाइम, बट आई थिंक मैं मूव ऑन बहुत जल्दी हो जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो था कि यार मैं हार गया। मुझे पंजाब हारने का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा, मतलब उसने मुझे हिला दिया, मतलब उसने मुझे चेंज कर दिया पूरी तरह से। क्या चेंज हुआ था? आई थिंक प्रोबेबली अगर कोई मुझे 2016 में मिला होता और 2020 में, मुझे लगता है कि वो कई बार मुझे मेरे आचरण से पहचान नहीं पाएगा। मैं आज मतलब मुझे लगता है मैं बहुत ठंडा हो गया बिल्कुल एकदम, मतलब उससे पहले मैं बहुत या कर देंगे, जीतेंगे, ये करें। अब मुझसे कोई पूछे कि आप चुनाव जीतोगे, मैं 50 बार सोचता हूँ कि पहले कैलकुलेशन कर ले, पहले डेटा देख ले, पहले उस समय शायद इतना, उस समय एक आइडियलिज्म कोर में था कि बदलना है चीज़ों को, आज शायद थोड़ा सा वो बहुत कैलकुलेटिव हो गया। दूसरा कि हार और जीत के बाद जिस तरह से लोगों का रिएक्शन होता है कई बार वो भी आपको तोड़ देता है, कई बार लोग इतनी ऐसी अजीब बातें करते हैं आपके बारे में, आप ख़त्म से हो जाते हो अंदर से। मुझे ध्यान है मैं पंजाब चुनाव जब हारा तो लोगों ने बहुत सारे चीज़ें गंदी बातें बोली कि मैंने पैसे खा लिए, मैं ये करता था, तो मुझे शायद उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। मेरी बड़ी बहन ने मुझे दिन फ़ोन किया और रोने लगी फ़ोन पे, बोली तू ये कर क्या रहा है और तू ये क्या काम कर रहा है, तो लोग तुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं उस दिन मुझे लगा कि मैं मतलब कि यार ये क्या हो गया, मतलब उस दिन गुस्सा भी आया कि जिन लोगों ने मुझे इतनी गंदी बातें बोली उनके साथ बदला लिया जाए, मतलब वो एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे मतलब हिला दिया। मुझे अपने बारे में इतनी वाहियात बातें लोगों ने बोली मेरे बारे में, मैं मतलब मुझे लगता है कि मतलब मैं एकदम टूट गया पूरी तरह से, मतलब अंदर से मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। मैं मतलब मुझे छोटे से अगर आप एक वार्ड की में काम करने के लिए भेज दें तो मुझे डर लगने लग जाता था कि यार मैं इस वार्ड का काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता था यार कि बहुत अजीब हो गया, मुझे लगता था मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ही बेकार हूँ, मैं बिल्कुल ही गधा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मतलब मेरा जो अंदर का वो एक होता है एक जो भी कह लो आप उसको, टैलेंट कह लो, जो भी कह लो, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया पूरी तरह से। और अच्छा ये रहा कि मैं कुछ दिनों के बाद चला गया स्टैनफोर्ड, वहाँ जाके मिला, कुछ नए परिवेश मिले, कुछ नए लोगों से कुछ ये रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो शायद धीरे धीरे थोड़ी सी वो रीगेन हुई, फिर वापस आए। वापस आने का मन भी नहीं था, मुझे लगा यार इतने घटिया लोगों के लिए क्यों काम करना, इतनी गंदी बात, मेरा मन भी नहीं था आने का, मैं तो सोचा था कि बस हो गया, जितना पॉलिटिक्स करना था कर लिया। फिर वहाँ गए, वहाँ जब सड़कों पे चलते थे लगता था यार अपना ये देश ही नहीं है, ये तो किसी दूसरे देश में आ गए, यहाँ कोई अपनी मतलब ये हम क्यों किसी दूसरे के लिए करें, ये तो अपना देश ही नहीं है। तो ये हर मिनट आता था कि अपना देश नहीं है, अपना देश नहीं है, अपने लोग नहीं हैं। तो फिर शायद डेढ़ दो महीने ढाई महीने में वो जो प्रॉब्लम थी वो उससे सॉर्ट आउट किए, उससे लड़े, उससे निकले और फिर वापस आने का प्लान किया। दूसरा ये भी लगा कि यार जैसे मैंने तीन चीज़ें सोची कि मतलब कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है, पहले तो एक तो ज़रूरतें हुई, एक लक्ष्य क्या है। ज़रूरत में लगा कि एक तो मेरे मदर फादर हैं, अब वो 65 साल के आसपास हो गए, एज ए सन मुझे लगता है कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उनकी सेवा करूं, क्योंकि अब वो अपने बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, 65 साल के 66 साल के हो जाएंगे। तो सबसे मेन काम तो है कि एक तो ये है कि अपने माँ बाप की सेवा कर सकूँ, तो पहला लक्ष्य है। दूसरा मुझे लगा कि यार
मेरे पास पैसे नहीं हैं, मतलब इस आंदोलन में आके किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, कुछ पार्टी ने कर दिया, कई बार किसी ने कर दिया, तो ऐसे तो चलता चला गया। लेकिन ये इससे तो ज़िंदगी, एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी तो जीने के लिए यू नीड, कुछ तो पैसे आपको कमाना पड़ेगा, तो कुछ उसका सिस्टम बनाना पड़ेगा, कोई बिज़नेस बनाना करना, कोई आपको ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी जिसके तहत आप कुछ पैसे कमा सको। तीसरा, मुझे लगा कि मैं, जो मैंने कहा कि मैं उतना पढ़ा नहीं, मैंने उतनी चीज़ें, मुझे जानकारी नहीं है, मुझे चाइना की हिस्ट्री नहीं पता, मुझे रशिया की हिस्ट्री नहीं पता, तो मुझे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो वो ये तीन चीज़ें हैं, मुझे लगा ये तीन चीज़ें मेरी ज़रूरतें हैं जो मुझे करना है। अब इसके बाद मैं अगर आम आदमी पार्टी में हूँ, मैं अरविंद जी की साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है मैं एक देश बदलने का एक मौका मिल सकता है, जो शायद बाहर रह के नहीं कर सकता था, जो शायद किसी दूसरे देश में अपनी ज़िंदगी तो काट लेते कुछ काम वाम धाम करके, लेकिन शायद वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं वापस आऊँगा, और मैं वापस आके मैंने शुरू काम किया। तो ये तीन चीज़ें लगा कि ये तीन चीज़ें करनी है, और उसके बाद फिर पूरा फोकस, अपना पूरा टाइम, आप समय बिताओ कि आप इसके ऊपर एक लगा सको। तो आई थिंक ये उस समय के दिमाग में आया, इसलिए सिर्फ वापस आ गया। मैंने कहा चलो जो हो गया हो गया, चुनाव हार गए, उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ा, क्योंकि शायद पंजाब जीतते तो आज शायद पार्टी बिल्कुल अलग लेवल पे होती, सबका पार्टी के अंदर सबका कद, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को उसके लिए ज़िम्मेदार मानता था। मतलब उसके हज़ारों रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मैं मानता था कि मैं, जब मेरे हाथ में कमांड है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, और कहीं ना कहीं वो मुझे कुड़ता था। मैं मतलब आई थिंक अब जाके 6-8 महीने से शायद बंद हो गया वो, वरना मैं आज तक अपने आप को दोषी मानता हूँ। फिर आप रिफ्लेक्ट करते हो कि ये गलती कर दी, ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसे कर सकते थे। अब उस समय जो समझ थी, जो दिमाग में था, जितनी ताकत थी, उसके हिसाब से आपने अच्छा किया। कई बार अच्छी चीज़ें होती हैं, कई बार अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, उसको आप कुछ कर नहीं सकते। बट एंड ऑफ द डे पर्पज़ यहाँ था आने का, कि ये शायद अगर इस चीज़ को सक्सेसफुल कर देते हैं, अगर आम आदमी पार्टी जो प्रयोग है, अगर ये सफल होती है, तो लाखों लोगों का भला होता है। आज दिल्ली के अंदर मैं ये नहीं कहता कि हमने जो सोचा था वो हम कर पा रहे हैं, लेकिन आज अस्पताल अच्छे बनाए, स्कूल अच्छे से बनाए, अच्छी व्यवस्थाएं की, लाखों लोगों की ज़िंदगी, मैं देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, मैं आतिशी जी को देखता हूँ स्कूल के अंदर जाके बातचीत करती है, मैं देखता हूँ मनीष जी का भी, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो देखा, उसमें एक बच्ची मनीष जी, तो लगता है यार कि कुछ तो अच्छा कर रहे हैं कुछ। वो एक बड़ा, एक ऐसा बदलाव है जो बहुत शायद 20 साल बाद जाके दिखे वो बदलाव, लेकिन शायद इसी तरह के एक बड़े आइडियलिज़म के लिए आए थे, तो वो कहीं ना कहीं आइडियलिज़म है जो फिर से खींच के ले आए कि यहाँ आके काम करते। घर वालों को मना पाए इस सब पीड़ा के बावजूद? घर वाले तो बेसिकली शायद वो गांव में थे, वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं थे, उन्होंने अखबार टीवी उतना नहीं देखा, तो शायद उनको उतना पता भी नहीं चला कि, जैसे आपने बहन का जिक्र किया, तो शायद उनके ऊपर पता भी नहीं चला उतना कि कितना गुजरा मेरे ऊपर, क्या क्या गुजरा। लेकिन यह कि फिर वो भी एक फेज़ होता है, वो भी धीरे धीरे समझ गया कि ये पॉलिटिक्स है, इसमें लोग कहते हैं उल्टा सीधा, उसका क्या कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी मान गए, और थोड़ा सा मैंने भी थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान देना शुरू किया। पहले मैं बातचीत ही नहीं करता था, मैं घर फ़ोन किए हुए 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन हो जाते। अब थोड़ा सा मैंने अपने अंदर सुधार लाया, मैं उनसे बातचीत करता हूँ, उनके साथ संपर्क में रहता हूँ। थोड़ा सा एक जो एक बेटे का एक जो धर्म होता है वो भी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शायद थोड़ा सा चेंजेज आए, थोड़े से बदलाव आए। कभी हम यार दोस्तों में बैठते हैं या इंटरव्यूज़ दिया करते थे जब कॉरपोरेट में काम करते थे, तो एक क्वेश्चन जहन में आता था, अपने भी जहन में आता था, सामने भी पूछा जाता था कि आज से 5 साल बाद अपने आप को आप कहाँ देखते हैं। मतलब हम लोग इन सब प्लानिंग में पड़ेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे जो हम कर रहे हैं, लेकिन कभी मन में अपने लिए, अपने भविष्य को लेकर कोई कल्पना आती है माइंड में? मुझे नहीं लगता मैं इतना सोच पाता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं इतनी पर्सनल, पारिवारिक कोई भी कल्पना? पारिवारिक तो यही है कि शादी करेंगे, बाल बच्चे पैदा करेंगे कुछ, और माँ बाप की अच्छे से सेवा करेंगे, और पढ़ाई लिखाई करेंगे, और काम करेंगे, पार्टी का काम इसी तरह से मेहनत करते करते रहेंगे, जहाँ तक जाना होगा चले जाएंगे। मैं डिसीजन आपको बताता हूँ, मैं एक्चुअली जब मैं
पार्टी में था, मतलब एक तरीके से आंदोलन चल रहा था और मैं तैयारी करता रहा था। तो मैं तैयारी छोड़कर फुल टाइम पार्टी के साथ काम करूं, मुझे लगता है ये डिसीजन मेरी ज़िंदगी का सबसे टफ डिसीजन था कि ये मैं कैसे डिसीजन ले सकूं। हम सबके लिए, बिल्कुल ये सबके लिए था। तो ये जो मतलब जो डिसीजन था कि मतलब पढ़ाई छोड़ के पार्टी में आए, आई थिंक ये सबसे टफ डिसीजन था। तो मैं सोचता था यार कि मतलब क्या करूं, एक तरफ से माँ बाप का एक्सपेक्टेशन है, एक तरफ लाइफ बेकार हो जाएंगी, इसमें कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, कुछ पता ही नहीं है किसी चीज़ का। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता था। तो मैं एक चीज़ सोचने लगा कि यार ये मैं पॉलिटिक्स में क्यों आया, कुछ तो विधाता ने लिखा होगा, कुछ तो भगवान की इच्छा रही होगी कि मैं यहाँ आया। और मैंने ये देखा यार कि मैं ठीक ठाक भी कर रहा हूँ, लोग काम दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड मिल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये शायद कहीं ना कहीं भगवान ने तय किया कि मुझे इस बात पे जाना है। तो आगे 5 साल बाद क्या करूँगा, 10 साल बाद क्या करूँगा, 15 साल बाद क्या करूँगा, मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं उसी भाव से मैं एक्सेप्ट करूँगा। बहुत बड़ी बात है, अगर अच्छा हुआ तो भी अच्छी चीज़ है, बुरा हुआ तो भी अच्छी चीज़ है, कुछ बहुत बढ़िया कर ले गए तो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन मन में यही है कि मुझे कोई इस बात का नहीं है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैंने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया या मैं बहुत ख़राब काम कर दिया या कहीं फ्यूचर में फेल हो जाऊँगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस खिलौने में इतनी चाबी भरी थी, तो चाबी जहाँ तक भरी है चले जाएंगे, अगर कुछ अच्छा रहा तो बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, कुछ नहीं अच्छा हुआ तब भी मैं कोई बहुत डीपली अनसेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैं अपने प्रोग्रेस को लेकर कि मेरी इमेज ऐसी बननी चाहिए, मेरा पर्सनैलिटी ऐसी बननी चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, मुझे नहीं लगता है मुझे इससे कोई खास फर्क पड़ता। रोहेश भाई, जब मैं सुना करता था ना, जैसे अन्ना जी कहते थे और उसके बाद अरविंद जी उसको दोहराते थे और हम बड़ा उसको दिल से सुनते थे, समझते थे, हालांकि उस समय फिलोसफिकल लगता था कि सब कुछ ऊपर इस पूरे आंदोलन को, इस सारे सिस्टम को कोई एक अदृश्य शक्ति चला रही है, भगवान चला रहा है, उस समय ऐसा लगता था कि बड़ा फिलोसफिकल है। पर जब इस पूरी यात्रा में अपन घुसे और पूरा फुल टाइम घुसे और जैसी जर्नी आज हम जी पा रहे हैं, लगा यार ये कुछ ना इसमें सच है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और शायद हमारी वार्तालाप से जहाँ पे आज हम बैठे हैं, ये मैसेज नीचे तक पहुँचेगा। और पहुँचने के साथ साथ जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैं ट्विटर पर कमेंट पढ़ रहा था राघव के इंटरव्यू के बाद, लोगों ने पूछा कि भैया आप यूथ इन पॉलिटिक्स बात तो करते हैं लेकिन आप सस्टेनेबिलिटी की बात करो कि वो कैसे सस्टेन करेंगे। बहुत लाजमी क्वेश्चन है और उस पर राघव ने बात भी की थी, पर ये बहुत ज़रूरी सवाल है। और हम लोग इसको जब अपने लिए बारे में सोचते थे तो सिर्फ एक काला अंधेरा, घना अंधेरा दिखता था, कोई उम्मीद नहीं दिखती थी। हमारे हाथ थामे, बहुत संघर्ष हुआ, हमने अपने संघर्ष किया और हम यहाँ तक पहुँचे, और भी बहुत सारे लोग आज कर रहे हैं जो शायद इस फ्रेम से बाहर हैं। लेकिन यदि वो शक्ति ना होती तो ये वैसा नहीं होता जैसा आज, और हम सब शायद जितनी चाबी भरी है तब तक चलेंगे जरूर। मुझे एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट याद आता है, मैं नई दिल्ली लोकसभा इंचार्ज होता था। हाँ। मेरे अंदर 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी आती थी, तो जब आप 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी करते हो तो आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, तो मेरी ट्यूशन छूट जाती थी और मैंने किसी को नहीं बताया कि मतलब मेरी ट्यूशन छूट जा रही है, क्या हो रहा है। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, सडनली जिसने भी डिस्कस किया होगा, विभव जी ने डिस्कस किया, सीएम साहब ने डिस्कस किया, प्रशांत जी ने डिस्कस किया, तो प्रशांत जी ने मुझे मेरे नाम पे, मेरे को लगता है 12 महीने का हर महीने 10,000 रुपये का एक चेक काट के दिया, प्रशांत भूषण जी ने। अच्छा। कि आप ये अपने पास रखो और आप इससे पर मंथ अपना काम चलाना। क्या बड़ी बात है, ये किसी इकोनॉमी का पार्ट नहीं हो सकता, ये आप सोच नहीं सकते, ये आप ये नहीं सोच सकते कि आपको कोई ये इस तरह का पैसा इस तरह का देगा। और मेरे को ध्यान है, आई थिंक ये 2013 की बात है, 2012-13 की बात है, इलेक्शन की बात है, उन्होंने सोचा कि यार कि लड़का इतना काम कर रहा है, दिन भर रहता है, तो इसका खर्चा कैसे चलता होगा। तो उनके पता नहीं दिमाग में कैसे आया, उन्होंने, हो सकता है अरविंद जी ने, उन्होंने बात की, सब ने बात की। मुझे एक दिन विभव जी ने बुलाया और मेरे को एक फ़ोन दिया उन्होंने, मेरा फ़ोन बहुत ख़राब हो गया था, तो उन्होंने एक दिन फ़ोन दिया कि ये फ़ोन अपने पास रख लो, किसी डोनर ने दिया है तो इसको तुम यूज़ करना। और मेरे को प्रशांत जी ने 10,000 रुपये की 12 चेक दिए कि तुम अगले एक साल हर महीने तुम इसको डालते रहना और
तुम्हारा खर्चा चलता रहेगा। कितनी प्यारी बात है। अब इस इकोनॉमिक मॉडल तो कहाँ है, ये कौन सा यूथ, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि एक्चुअली पॉलिटिक्स क्या है ना, कि कई बार लोगों को लगता है कि ये कैरियर है। पॉलिटिक्स एक्चुअली कैरियर नहीं है। पॉलिटिक्स एक बहुत बड़े बदलाव किसी भी पार्टी से हो सकते हैं। बीजेपी वाले भी कुछ सोचते हैं, उनके भी कुछ आइडिया, उसके आइडियाज़ हम डिसएग्री एग्री हो सकते हैं, डिफरेंट बात है, लेकिन उनके पास भी ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जिन जो विचारधारा में विश्वास होकर काम कर रहे हैं और निस्वार्थ होकर काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की एक विचारधारा है, आम आदमी पार्टी की विचारधारा, उसके साथ भी बहुत सारे लोग। ये नेशन बिल्डिंग का प्रोग्राम है, ये कोई एम्प्लॉयज़ और कॉरपोरेट वो सिस्टम नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। तो यहाँ तो अपना मॉडल खुद ही बनाना पड़ेगा आपका, और हर व्यक्ति का इकोनॉमिक मॉडल अलग है। आपका मॉडल अलग है, मेरा मॉडल अलग है, देव का मॉडल अलग है, किसी और का मॉडल बिल्कुल अलग है, दिलीप भाई का मॉडल अलग है, सबका अपने अपने हिसाब से किसी ने कुछ जुगाड़ बनाया हुआ है। वही शायद इस आंदोलन की एक ब्यूटी भी है, और शायद वही एक चीज़ इसको पवित्र भी करती है। बट स्टिल आई बिलीव कि चाहे वो यूथ हो या कोई भी हो, आपको कोई ना एक इकोनॉमिक मॉडल तो बनाना ज़रूरी है। अगर आप उसको बना लेते हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पॉलिटिक्स में, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी थोड़ा सा पैसा होना चाहिए आपके पास। और दूसरी चीज़ कि अगर आप के पास पैसा नहीं होगा तो आप, क्योंकि आपकी ज़रूरतें तो हैं, आप परिवार में हो, तो कहीं ना कहीं आप किसी से मांगोगे, किसी से कुछ करोगे। और अगर आप एक कहीं अच्छी जगह अच्छी पोजीशन पे हो, तो अगर आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में करोगे तो लोग आपको अच्छी निगाह से नहीं देखते, और अच्छा ये मैसेज भी नहीं जाता। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक मॉडल तो बनाना चाहिए। बिल्कुल। और वो शायद खुद ही बनाना पड़ता है। और अगर आपको लंबा जाना है, वो आपका अपना त्याग, उसमें कुछ लोग मदद भी करते हैं, कुछ दोस्त आपकी मदद करते हैं, कुछ और लोग मदद करते हैं, बट ये है कि बन जाता है, मतलब कुछ ना कुछ हाँ, बन जाता है, तय करना पड़ता है कुछ। जब आप सोचने लग जाते हो तो कुछ ना कुछ बन जाता है, फिर उसके बाद कोई ना कोई। हम सबने संघर्ष किया, सबने किया इकोनॉमिक मॉडल से लेके, और बहुत सुंदर यात्रा रही है, और आप जैसे भाइयों का साथ रहा है, और उम्मीद है यात्रा ऐसे चलती रहे, और हमारे साथ और नए भाई नए बहनें ज्वाइन करें, और देश के लिए जो सपना देखा है हम सबने, बस आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर कुछ कर पाए, कुछ बदल पाए, तो शायद नहीं भी कर पाए तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट बहुत कुछ बदला है, विचार बहुत कुछ बदला भी है, बहुत कुछ बदला भी है, लेकिन मतलब एटलीस्ट हमने कोशिश तो की। बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने कोशिश तो, हम घर में नहीं बैठे रहे, हम निकले, हमने हमने सहा है समाज की बहुत सारी चीज़ों को सहा है, तो एटलीस्ट इस बात का तो एक सेटिस्फेक्शन है कि हमने ट्राई, ये हौसले के बिना नहीं हो सकता था, ट्राई तो मारा है, होगा नहीं होगा क्या होगा भगवान जाने, लेकिन हमने कुछ तो किया, ट्राई तो मारा। चलिए, थैंक यू। आज ऐसा लग रहा था जैसे बहुत पुराने दोस्त से चाय की चुस्की के साथ मुलाकात हुई है। ऐसे हम वैसे भी मिल सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है इंटरव्यू के लिए। मैं तो हमेशा तैयार हूँ, कभी भी बुला लिया। बिल्कुल ठीक बात। बहुत मुद्दत के बाद हमारा ऐसा मिलना जा रहा है, बहुत दिनों बाद। मैं खुद भी बड़ी पुरानी यादें याद आई, बड़ा नॉस्टैल्जिक सा हो गया, कई बार बीच में भावुक से हुए आप। बहुत शुक्रिया दुर्गेश भाई, थैंक यू सो मच, और बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। मेहरोली में सही या दिल्ली में सही, दिल्ली के बाहर सही, और आपको बहुत शुभकामनाएं। आप जहाँ पर भी संगठन का काम कर रहे हैं, इसी तरह से लोगों में जोश जज्बा भरते रहें, और संगठन के साथ पार्टी के लोगों को जोड़ते रहें। चलिए, बहुत शुक्रिया टीम आपका भी, आप सबका। थैंक यू।